चलिए नमस्कार 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 आप लोगों का रिक्वेस्ट को मानते हुए मैंने आज दो लैंग्वेज में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि मेरा जो कंटेंट है अच्छा है पर उनको हिंदी में चाहिए था तो मैंने पूरा कोशिश की है आप लोगों के लिए हिंदी में लाने का ठीक है चलिए सो यस चलिए थर्टी सेकेंड यस सो नमस्कार 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 टू ऑल ऑफ यू दिस इज भीमक वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस अड्डा 247 फोर में आप सब लोगों का स्वागत है पहले मुझे क्लियर कर दें कि मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं पहले बता दें ऑल क्लियर लिख दें आज एक जबरदस्त टॉपिक आज एक जबरदस्त टॉपिक पे हम लोग जो है शुरुआत करने वाले हैं जबरदस्त टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं आप लोगों को बहुत मजा आएगा ठीक है आज का टॉपिक मुझे एक बार बता दें ऑल क्लियर लिख के बता दें ऑल क्लियर लिख के मुझे बता दें कि सब कुछ जो है ठीक चल रहा है चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा चलो इसी थॉट को लेकर आज शुरुआत करते हैं आज का जो तो शानदार टॉपिक है दैट इज बुद्धिज्म बुद्धिज्म ठीक है देखिए सब कुछ ठीक है शुरू कर दिया जाए देखो <coughs> बहुत अच्छा चलिए और भी बच्चे आते रहेंगे हाँ गिव में थर्टी सेकेंड Okay. देखिए दुनिया का इतिहास का एक महान धर्म में से जो है बुद्धिज्म भी एक धर्म है और बुद्धिज्म के कई अलग अलग प्रकार के बुद्धिज्म है जिसमें हम लोग पढ़ें, पढ़ेंगे यहां पर जो थ्री टाइप ऑफ बुद्धिज्म है मोहायन हिनायन एंड बज्रायन महायान बुद्धिज्म क्या है हिन यान बुद्धिज्म क्या है और बजरायन क्या है ये सब डिटेल में पढ़ेंगे जैसे कि जो है दैट इज द ओल्डेस्ट फिलोसॉफी गौतम बुद्ध को केवल जो है इंसान मानते हैं बट महायन जो है गौतम बुद्ध को भगवान का रूप मानते हैं जैसे कि हिंदू धर्म में कृष्ण जी या फिर राम जी को भले ही वो इंसान के हिसाब से पैदा हुए हो वो कौन है वो भगवान है तो इस प्रकार से महायन वाले उनको भगवान बोधित्व उसके बाद वज्रायन तो जो तीनों का जो फिलोसॉफी है जो तीनों का फिलोसॉफी है ठीक है जो तीनों, तीनों का जो फिलोसॉफी है जैसे कि हिन्यान है महायान है बज्राहन है एक चीज मैं बताना चाहूंगा उसके बाद मैं टॉपिक पे आऊंगा तीनों का जो फिलोसॉफी है रिलेटेड टू साल्वेशन साल्वेशन का मतलब क्या है साल्वेशन का मतलब है मोक्ष मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति एनलाइटमेंट सुप्रीम नॉलेज जिसको कहा जाता है मोक्ष एनलाइटमेंट सुप्रीम नॉलेज जिसको कहा जाता है जैसे कि जो हिन है हिन है वो मानते हैं कि साल्वेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू द सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन हम अपना लाइफ को श्रृंखलित करेंगे और मेडिटेशन करेंगे तो हमें सेल्वेशन की प्राप्ति होगी मोक्ष की प्राप्ति होगी एनलाइटमेंट की प्राप्ति होगी निर्वाण की प्राप्ति होगी ठीक है निर्वाण की प्राप्ति होगी ये किन का मानना है ये हिन यान का मानना है बट मोहायन मानते हैं कि चाहे जितना भी आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओ जितना भी आप मेडिटेशन कर लो सेल्वेशन की प्राप्ति नहीं होगी जब तक ग्रेस ऑफ गॉड भगवान का दया नहीं होगा ग्रेस ऑफ गॉड भगवान का दया नहीं होगा आपको सेल्वेशन की प्राप्ति नहीं हो सकती आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती आपको मोक्ष नहीं मिल सकता तो सेल्वेशन के लिए क्या चाहिए महायान के लिए कि ग्रेस ऑफ गॉड भगवान का दया भगवान का दया होना जरूरी है मतलब भगवान का साथ होना जरूरी है ग्रेस ऑफ गॉड चाहिए तो सेलिब्रेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता और किस्मत से पहले कुछ नहीं मिलता जो किस्मत में लिखा मतलब ये लोग थोड़ा सा किस्मत पे मानते हैं मेहनत पे नहीं जैसे कि उसके साथ साथ जैनिज्म जे, का फिलोसॉफी क्या है कर्म ही भगवान है उनका उनका कोई मूर्ति पूजा नहीं होता है कर्म ही भगवान है जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा ये किन का फिलोसॉफी है जैनिज्म का फिलोसॉफी उसके बाद बुद्धिज्म के हिनयान मोहायन के बाद एक होता है वज्रयान वज्र का मतलब क्या होता है वज्र का मतलब होता है मैजिकल पावर जादुई शक्ति जादुई शक्ति का मतलब क्या है कि वज्र मैजिकल पावर है आपके पास तो आपको सेल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है मतलब सेल्वेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू मैजिकल पावर सलवेशन का प्राप्ति हो सकती है मोक्ष निर्माण की प्राप्ति कैसे हो सकती है मैजिकल पावर से जादू शक्ति से और यहां पर सबसे पहला चीज मैं बताना चाहूंगा यहां पर एक एक, एक, एक चीज जो मतलब आप लेके जाइएगा ठीक है कि उनका एक फिलोसॉफी है जिसको कहते हैं फोर नोबेल मैं ये सब डिटेल में बताऊंगा सबके सब जो है मैं डिटेल में बताऊंगा सब डिटेल में बताऊंगा जस्ट आप पैसेंस के साथ सुनिए बस उसके बाद में टॉपिक पर आ रहा हूं जैसे कि और एक चीज है जिसको कहते हैं फोर नोबेल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्ध का मानना है कि ये संसार जो है दुख पूर्ण है The world is full of sorrow. ये संसार जो है दुख है का कारण क्या है डिजायर है इच्छा शक्ति है दुख का कारण क्या है डिजायर है हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए हमें हमें घर चाहिए हमें गाड़ी चाहिए हमें गर्लफ्रेंड चाहिए हमें वाइफ चाहिए हमें बच्चा चाहिए हमें सब सब डिजायर डिजायर इज द रूट कॉज पहले साइकिल में बैठते हो उसके बाद कार उसके बाद बाइक उसके बाद कार उसके बाद अलग अलग चीजें फ्लाइट प्राइवेट जेट कोई लिमिट है सो so, डिजायर का कोई अंत नहीं है और दुख का कारण ही डिजायर है इच्छा शक्ति है और ये जो हम लोग का जो डिजायर है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं डिजायर डिजायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा जाता है एट फोल्ड पाथ का मतलब है अष्टांगिक मार्ग अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या है जिसमें से देखो राइट अंडरस्टैंडिंग राइट थॉट राइट स्पीच राइट कंडक्ट राइट मीन्स ऑफ मेकिंग ए लिविंग राइट मेंटल एटीच्यूड राइट माइंडफुलनेस राइट कंसंट्रेशन मतलब सही विचार सही सोच सही ज्ञान सही मेडिटेशन ये सब से ही हमें जो है एट फोल्ड पार्क अष्टांगिक मार्ग से ही हम डिजायर को कंट्रोल कर सकते हैं और डिजायर को कंट्रोल करेंगे तो हम लोगों के लाइफ में दुख जो है वो दूर हो जाएगा दुख जो है क्या हो जाएगा वो दूर हो जाएगा ठीक है तो आइए इन सब चीजों पर और एक और एक फेमस चीज है गौतम बुद्ध जी के बारे में एक चीज है जब जब गौतम गौतम बुद्ध के जो फादर थे सिदोधना कपिल वस्तु के राजा थे वो नेपाल में है कपिल वस्तु ठीक है नेपाल में है उनके राजा थे और सुदोधना को बहुत साल तक जो है बेटा या बेटी नहीं हो रहा था और जब वो एट द एज एज ऑफ ओल्ड एज ओल्ड एज के टाइम पे उनको एक बेटा हुआ था जिनका नाम है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध नहीं बने थे उनका नाम था सिद्धार्थ तो जैसे ही उनका जन्म हुआ उनका नामकरण के लिए सबको सभी ज्योतिष को बुलाया गया सब लोगों ने कहा मतलब बहुत लोगों ने कहा कि आइधर ये बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े संन्यास बनेंगे क्या बनेंगे बहुत बड़े सम्राट या बहुत बड़े सन्यास बनेंगे लेकिन उसमें से एक ज्योतिष ने बताया ठीक है उन्होंने नहीं 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 ये सम्राट नहीं बनेंगे ये केवल एंड केवल जो है सन्यास ही बनेंगे बहुत बड़े सन्यास बनेंगे तो राजा के मन में एक घबराहट सी आ गई इतने ओल्ड एज में उनको एक बेटा मिला है वो भी सन्यास बन जाएगा देखो सन्यास एक ऐसा चीज है आप पड़ोसी के घर में चाहते हो भगत सिंह एक ऐसा चीज है भगत सिंह बहुत अच्छे अप्रिशिएट तो करते हैं सब लोग लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए पड़ोसी के घर में चाहिए तो सन्यासी को भी सब लोग अप्रिशिएट करते हैं पर अपने घर में सन्यास नहीं चाहिए पड़ोसी के घर में चाहिए तो राजा का बेटा है अगर राजा का बेटा अगर सन्यास बन गए तो वो सुदूधन का क्या होगा उस राज मतलब जो किंगडम का क्या होगा तो उन्होंने उन्होंने उस दिन से उनको सजेस्ट किया गया था कि गौतम बुद्ध को ऐसे ऐसे जगह पर रखा जाए कि संसार में दुख नाम का चीज जो है उनको पता ना चले इसीलिए उनके लिए अलग अलग महल होता था मतलब सर्दी के लिए अलग महल बारिश के टाइम पे अलग महल में रहते अलग बिल्डिंग में रहते थे और गर्मी में अलग ताकि गर्मी में उनको गर्मी ना लगे सर्दी में उनको सर्दी ना लगे ऐसे जैसे कि आज के डेट में एयर कंडीशन है उस टाइम पे तो एयर कंडीशन नहीं था लेकिन ऐसे उनके लिए बनाया गया था महल कि गर्मी में गर्मी ना लगे सर्दी में सर्दी ना लगे बारिश में बारिश की ये ना हो तो उस गर्मी में सर्दी में बारिश में अलग अलग महल में रहते थे फिर 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 पूरा दुनिया के जितने ऐस और आराम जो है उनके लिए दिया गया था साइड में घिरे रहते रानियाँ रानियाँ उनके घिरे रहते थे हर हर तरह से उसके साथ साथ उनको भोग विलास मतलब जितना भी मतलब जिंदगी में वो मस्ती कर सकें जितने भी मौज कर सकें पूरी तरह ताकि उनका दिमाग ना भटे उनमें फ्रस्ट्रेशन ना आए और वो जो है सन्यास ना बने इसी चक्कर में उनको हर तरह का प्रयास किया गया कि उनको जो है सुख में रहा जाए उनको पूरा हर तरह से फैसिलिटी दिया जाए हर तरह से दुनिया का मतलब सुख में रखा जाए इस तरह का कोशिश किया गया बट उन्होंने जब देखा था एक बीमार शरीर एक ओल्ड पर्सन एक जो है मृत शरीर डेड बॉडी और उसके बाद एक संन्यास को देखे थे तो जब वो बीमार शरीर को देखे थे तो पूछे थे, थे अपने साथी को कि क्या मैं भी बीमार हो सकता हूं तो उन्होंने कहा अपने साथियों ने कहा कि हाँ तो आप सब लोग को बीमार होना पड़ेगा एक ओल्ड शरीर देखने के बाद पूछे थे क्या मैं भी ओल्ड हो हो सकता हूं तो उन्होंने कहा कि हाँ ओल्ड तो सबको होना है सबको बुढा होना है सबको एक दिन जो है अपना जो जवानी जो है खोना है क्या मैं भी डेथ शरीर को देखने के बाद पूछने लगे क्या क्या सबकी मृत्यु होती है हाँ सबकी मृत्यु होती है उनके साथियों ने कहा लेकिन और जब सन्यास को देखे थे तो उन्होंने पूछा कि सन्यास इतना खुश क्यों है तो उनके साथियों ने कहा साथी ने कहा कि सन्यास खुश इसलिए है कि उन्होंने सब कुछ परित्याग करके भगवान के नाम पे भगवान के शरण पे चला गया इसलिए वो इतना खुश है तो उसी दिन से गौतम बुद्ध 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 के मन में परिवर्तन आया था और उन्होंने जो है अपने बीबी को और अपने बेटे को और अपने पूरा राजपाट को छोड़ के वो सन्यास हो गए थे 29 नाइन ईयर एज में वो घर छोड़ दिए थे और 30 36 सिक्स ईयर एज में उनको जो है 35 उनको जो है मतलब पीपल पेड के नीचे बोध गया में उनको वो सन्यास निर्वाण की प्राप्ति होती जिसको कहा जाता है एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट गौतम बुद्ध का एनलाइट तो ये था बेसिक समरी बट एक एक करके हम लोग जो है शुरुआत करेंगे ट्रस्ट में आज का टॉपिक जो है शानदार टॉपिक है और मजा आने वाला है आप लोगों को जबरदस्त मजा आएगा और 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 लाइक करिए शेयर करिए और आप अपने स्टेटस पे डालिए थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस चीज़ का लाभ उठा सकें ठीक है इस चीज़ का लाभ उठा सकें और किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप मेरा नाम व्योमकेश मेहहर है जी एस बाय व्योमकेश मेहर टाइप कर लीजिए या व्योमकेश मेहर टाइप कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर वहां पर जुड़ जाइए जी एस बाय ब्योम केस मेहर मेरा नाम टाइप कर लेना नीचे लिखा हुआ है उसमें आप जुड़ जाइए वहां पर आपको पी मिल जाएगा पी अवेलेबल होगा आज का कंटेंट मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लाया हूं उसके साथ साथ वहां पर जो है सारे सारे चीजें किसी भी प्रकार का डाउट है किसी भी प्रकार का क्वारीज है किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन है या मुझसे बात करना चाहते हो तो सब फैसिलिटीज वहां पर आपको जो है अवेलेबल कर दिए जाएंगे ठीक है जी एस बाय श मेहर नाम पे टेलीग्राम चैनल पे आप ढूंढ लेना ठीक है चले, अब शुरू करते हैं ये समरी था देखिए देखिए सबसे पहले आज जो है कंटेंट जो है दो भाषा में है हिंदी इंग्लिश आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया था ठीक है कि कंटेंट बहुत अच्छा है और हमें हिंदी में भी चाहिए ठीक है बहुत अच्छा तो है ही तो हिंदी में भी चाहिए तो बिल्कुल आप लोगों के लिए अब कंटेंट जो है दो भाषा में रहेगा हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ताकि जो कंप्लीट हिंदी मीडियम के बच्चे हैं स्टूडेंट हैं ठीक है वो भी उसका फायदा उठा सके और क्लास के बाद जो है टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएंगे और बताओ ठीक है चलिए तो ओल्ड स्टोनेज मिडिल स्टोनेज न्यूज स्टोनेज स्टोनेज से शुरुआत होती है ओल्ड स्टोनेज मिडिल स्टोनेज न्यू स्टोनेज उसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन देन इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन होने के बाद जो है अर्ली वैदिक पीरियड हुआ उसके बाद जो है लेटर वैदिक पीरियड और उसके बाद जो है लेटर वैदिक पीरियड के बाद जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है दोनों एक तरफ से उनका जो डेट है ऑलमोस्ट जो है सिमिलर है अलग अलग नहीं है उनका डेट जो है ऑलमोस्ट जो है सिमिलर है बुद्धिज्म और जैनिज्म का ठीक है अब सबसे पहला सवाल आता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का शुरुआत किस कंटेस्ट पे हुआ और उसका मकसद क्या था और शुरुआत किस हिसाब से हुआ ठीक है सबसे पहला सवाल आता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का शुरुआत किस हिसाब से हुआ है किस प्रकार से स्टार्ट किया गया बुद्धिज्म और जैन देखो थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत अगर डिस्टरबेंस होती है कुछ सेकंड के लिए पांच सेकंड दस सेकंड के लिए आप नो नीड टू वरी अबाउट ठीक है हम लोग बने रहेंगे मैं बने बना रहूंगा जुड़ा रहूंगा और जब तक फिनिश नहीं करूंगा मैं नहीं जाने वाला इसीलिए कभी कभार बाय चांस अगर दस सेकंड पांच सेकंड के लिए अगर आपका नेट स्लो होता है तो आप स्टिकली बने रहना जुड़े रहना कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाती है ठीक है आप बने रहना और जुड़े रहना ठीक है आ बी हियर आपके साथ रहूंगा टॉपिक को फिनिश करके जाऊंगा ठीक है जैसे कि आप देख रहे हो ना इंडस्टली सिविलाइजेशन को मैंने टोटल फिनिश किया है वहां पर आपको भरपूर मिल रहा है देन उसके बाद वैदिक पीरियड आज जो है बुद्धिज्म का टॉपिक है और बुद्धिज्म और जैनिज्म में बता दू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रिलिम्स उसके साथ साथ मेन्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एंसियंट हिस्ट्री बुद्धिज्म एंड जैनिज्म उनमें से भी सबसे ज्यादा रिलिवेंट जो है प्रिलिम्स और मेन पॉइंट ऑफ व्यू दट इज बुद्धिज्म एंड जेनिज्म क्लियर है पॉइंट चलिए सो so, देखिए सो so, उससे पहले जो है वैदिक कल्चर था और वैदिक कल्चर में क्या है कास्ट सिस्टम वाज देयर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड कास्ट सिस्टम वाज देयर और ब्राह्मण वाज कंसीडर्ड टू बी द अपर कास्ट ब्राह्मण जो है सबसे टॉप प्रायोरिटीज में थे अपर कास्ट थे सेकंड जो प्रायोरिटीज थे वो क्षत्रियस थे थर्ड जो है वैश्य जो बिजनेस क्लास है और फोर्थ में जो है शूद्रस थे और उनमें से आपस में इनइक्वालिटी थी मतलब एक इक्वालिटी नहीं था जैसे कि आज के डेट में आर्टिकल फोर्टीन क्या आर्टिकल 17 क्या कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता को दूर करना आर्टिकल जो हम लोग का जो फंडामेंटल राइट right है राइट टू इक्वालिटी फोर्टीन से एटीन तक जो हमारा है राइट टू इक्वालिटी है ना समानता का अधिकार लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था इक्वालिटी का अधिकार नहीं था कंस्टिट्यूशन भी नहीं था उस टाइम पे ब्राह्मण वॉज कंसिडर टू द सुपीरियर फर्स्ट सेकेंड जो है क्षत्रिय थर्ड जो है वैश्यज और फोर्थ जो है सुदरस और ब्राह्मिड्स को जो है बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे लोग जो है बहुत सारे रेस्पेक्ट करते थे कुछ भी चीजें होता था उनका डोमिनेशन चलता था उनका ही सब कुछ चलता था बट एक तरफ से क्षत्रिय क्षत्रियस भी जो है डोमिनेटेड थे और वो भी पावरफुल थे और जो ब्राह्मण्स को जो इतना 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 जो सुप्रियरिटी दिखा दिखाया जाता था ये जो है मतलब क्षत्रियस को पसंद नहीं आता था क्योंकि वो भी चाहते थे अपना क्लास को बढ़ाना वो भी अपने बराबर चाहते थे मतलब डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स को दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द क्षत्रियर्स जो ब्राह्मण का डोमिनेशन है क्षत्रियर्स को पसंद नहीं आया था और एक चीज है कि बुद्धिज्म जो वेदिक कल्चर में कुछ ऐसे चीजें थी देखो एक होता है विश्वास एक होता है अंधविश्वास ठीक है विश्वास और अंधविश्वास में जो फर्क है देखो जैसे कि भगवान के नाम पे सच्चे दिल से पूजा कर रहे हो तो ये तो विश्वास हुआ कुछ लोगों की बात करो मैं सबकी बात नहीं कर करूं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं वो अंधविश्वास के नाम पर बहुत कुछ करते हैं जैसे कि आए दिन में आप बाबा को देखते हो ठीक है आए दिन में बाबा को देखते हो आप कुछ बाबा ऐसे हैं जैसे कि कोई मतलब अगर स्टूडेंट गया अगर वो बोलता है कि बाबा जी मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा है बाबा जी मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा है मैं दो तीन चार अटेम्प्ट दे चुका हूँ फिर भी मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा है बाबा जी कुछ करिए तो बाबा जी बोलते हैं कृपा जो है अटका हुआ है फिर पूछते हैं बाबा जी समोसा खाते हो तो वो 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 बो स्टूडेंट बोलता है हाँ जी बाबू जी 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 बाबा जी फिर फिर बाबा जी बोलते हैं समोसा मैं चटनी हरी चटनी खाते हो या फिर लाल चटनी खाते हो बाबा जी लाल चटनी से समोसा खाता हूं फिर बाबा जी बोलते हैं कृपा इस लाल चटनी पे अटका हुआ है अब हरी चटनी से खाओ तो यूपीएससी क्लियर होगा क्या ये विश्वास है या अंधविश्वास है कई सारे ऐसे बाबा आपको मिलेंगे समझ लो चीजें तो ये है अंधविश्वास ये है अंधविश्वास तो कहने का मतलब है अगर सही से मेहनत करोगे कंसिस्टेंट रहोगे ठीक से पढ़ोगे अच्छे से कोचिंग लोगे अच्छी जगह पे पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा ये क्या है विश्वास है मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा ये विश्वास है समोसे तो के साथ हरी चटनी खाओ या लाल चटनी खाओ फर्क थोड़े पड़ेगा यूपीएससी में आपका पेट में फर्क पड़ेगा यूपीएससी में कोई नहीं फर्क पड़ने वाला तो यही इज द डिफरेंस बिटवीन विश्वास अंधविश्वास तो तो उस टाइम पे वैदिक काल में कुछ लोग मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं पहले से मैं बता रहा हूं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं ठीक कुछ लोग जो है उसमें जो कंजर्वेटिव थॉट कंजर्वेटिव फीलिंग ला रहे इसी इसलिए उसके विरोध में कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ठीक है तो सबसे पहला चीज हम लोग बात करते हैं कॉज ऑफ ओरिजिन मतलब बुद्धिज्म और देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो कॉज ऑफ ओरिजिन है सिमिलर है एक चीज ध्यान रखिएगा बुद्धिज्म और जेनिज्म का जो कॉज ऑफ ऑरिजिन है वो सिमिलर है कि किस कारण से बुद्धिज्म और जो है शुरुआत हुआ था कॉज ऑफ ऑरिजिन जो है सिमिलर है सबसे पहला पॉइंट देखिए यहां पर cause of origin में सबसे पहला पॉइंट क्या है देखिए कि द क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणस क्या है द क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स ठीक है ब्राह्मणों के चस्व से के खिलाफ क्षत्रियो का प्रतिक्रिया मतलब जो डोमिनेशन था ब्राह्मीण जो है अपने आप को जो सुपीरियर मानते थे या अपने आप जो है हाई क्लास में रहते थे तो उनके खिलाफ एक और क्लास हो रही थी वो है क्षत्रिय देखो सोशल हायरकी की बात करूं कास्ट सिस्टम की बात करूं उस टाइम पे सबसे टॉप पोजीशन में कौन थे ब्राह्मीण थे उनके नीचे कौन थे क्षत्रियस थे उनके नीचे कौन थे वश्यस्थ थे उनके नीचे कौन थे सुद्रस थे ठीक है तो सबसे टॉप में कौन थे वो है ब्राह्मण उसके बाद क्षत्रिय तो ब्राह्मण को जो टॉप पोजीशन दिया गया था डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण तो ये चीज को क्षत्रियज वाले जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे वो भी इक्वल स्टार्टस चाहते थे वो भी इक्वल स्टार्ट चाहते थे कि ब्राह्मीण का जो पोजिशन है उनका भी हो और टॉप पोजीशन होने की वजह से उनको बहुत सारे रेस्पेक्ट मिलता था बहुत सारा प्यार मिलता था बहुत सारे सम्मान मिलते थे बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे उसके अलावा अगर अगर पनिशमेंट भी उनको कम दिया जाता था ठीक है आप देख सकते हो ठीक है वेरियस प्रिविलेज एंजॉयड बाय द प्रिस्टली क्लास सच एज रिसीविंग गिफ्ट एंड एक्न फ्रॉम टैक्सेशन एंड पनिशमेंट तो उनको बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे बहुत सारे जो है उनको पनिशमेंट से कम किया जाता था उन, उनके लिए टैक्स कम था तो ये सब चीजें जो है क्षत्रिय को पसंद नहीं आया उनको लगा कि सब लोग जो है बराबर होना चाहिए उनको लगा क्या लगा सब लोग जो है बराबर होना चाहिए यह डिसमिलरिटी नहीं होना चाहिए ये ये अलग अलग जो चीजें जो है नहीं होना चाहिए सब लोग को बराबर का ट्रीटमेंट होना चाहिए यह किनको लगा को लगा इसलिए क्षत्रिय का डोमिनेशन अगेंस्ट द अगेंस्ट द ब्राह्मण इसीलिए जो क्षत्रिय का डोमिनेशन मतलब क्षत्रिय का जो है कंप्लेन रहा ब्राह्मण के खिलाफ ये पहला रीजन है फर्स्ट रीजन है ठीक है अब देखो दूसरा रीजन क्या है दूसरा रीजन में द वेदिक फिलोसॉफी हैड लॉस्ट इट ओरिजिनल प्योरिटी द वेदिक फिलोसॉफी हैड लॉस्ट इट ओरिजिनल प्योरिटी उसका मतलब क्या जो वेदिक फिलोसॉफी को, को जो रेस्पेक्ट करते थे वेद को जो रेस्पेक्ट करते थे वेदिक फिलोसॉफी को जो रेस्पेक्ट करते थे धीरे 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 उनका जो ओरिजिनल प्योरिटी था ओरिजिनल वेदिक प्योरिटी था वो धीरे धीरे लोगों को जो है मतलब कमजोर होते जा रहा था लोग उसका गलत फायदा उठा रहे थे लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे जिसकी वजह से लोगों को वो चीजें जो है पसंद नहीं आ रहा था समझ रहे चीजें कि द वैदिक फिलोसॉफी वेद का जो फिलोसॉफी है लॉर्ड्स इट ओरिजिनल प्योरिटी जो ओरिजिनल था वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा था लोग उसको पसंद नहीं करते लोग अपने मनमानी कर रहे थे जैसे कि विश्वास और अंधविश्वास की बात की है वही चीज है अगर अगर देखो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहां पर देखो चार प्रकार के जो जो थे पहला जो चीज है तो दैट इज ब्राह्मण देन देन वैश्यज और एक है शूद्रस शूद्रस देखो उसमें से क्या है कि आपस में नहीं पड़ता था ब्राह्मण और क्षत्रियज का नहीं पड़ता था क्षत्रियज मानते थे, थे कि वो सुपीरियर क्लास है ब्राह्मण मानते थे कि वो सुपीरियर क्लास है हालांकि सब लोग सुपीरियर क्लास है देर वॉज नो इक्वालिटी समानता नहीं था लोगों में समानता नहीं था आपस में फाइट करते थे कि कौन सुपीरियर है देखो और उस टाइम पे एक चीज और बता दो जन्म के आधार मतलब ये ये जो ब्राह्मीण क्षत्रिय का स्ट्रगल जो है उस टाइम से लेकर आज तक भी कुछ लोग करते हैं समझ लो चीजें क्योंकि ब्राह्मण जब सुपीरियर होने लगे उनको बहुत सारे गिफ्ट बहुत सारे टैक्सेसन से फ्री उनको रेस्पेक्ट लव एक हायर पोजीशन में दिया जा रहा था बट क्षेत्र उस चीज को टोलरेट नहीं कर पा रहे थे उसके साथ साथ और एक चीज भी है जो वैश्यज वैश्यज मतलब क्या है ये लोग बिजनेस क्लास हैं, बिजनेस क्लास और, और ये किस चीज पे फोकस करते थे उस टाइम पे एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे एग्रीकल्चर पे फोकस कृषि पे फोकस करते थे और एक चीज है जब कृषि पे जो लोग फोकस करने लगे वश्यज वाले तो कृषि के लिए सबसे देखो आज के डेट में आप लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है मशीनरीज है ठीक है हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है प्रोडक्ट है बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था और कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो जो है एनिमल्स होते थे और हिंदुइज्म में क्या था स्लॉटर ऑफ एनिमल्स स्लॉटर समझते हो मतलब पशु मतलब पशु को काटना एक तरफ से स्लॉटर ऑफ एनिमल्स एक ट्रेडिशन के हिसाब से रिलीजियन ट्रेडिशन के हिसाब से था लेकिन वश्य को बिजनेस क्लास करना था एग्रीकल्चर करना था तो उनको चाहिए था उनको क्या चाहिए था उनको जो है मतलब एनिमल्स की जरूरत थी बट एक तरफ से एक तरफ से मतलब ब्राह्मीण कह सकते हो या फिर जो हिंदुइज्म में जो चल रहा था स्लटर ऑफ एनिमल्स उनके विरोध में ये लोग आने लगे तो जब विरोध में आने लगे दोनों में फिर से कंट्रीवर्सी होगा एक तरफ से ब्राह्मण्स और क्षेत्रियस का कंट्रीवर्सी चल रहा है एक तरफ से ब्राह्मण्स और वर्ष का भी कंट्रीवर्सी चल, चल गया और सुधरत दे ऑल्सो वॉन्टेड टू इंप्रूव देयर सोशल स्टाटस कौन चाहता है कि सबसे मतलब सब लोग चाहते हैं बराबर की फैसिलिटी चाहते हैं कौन चाहता है कोई ऊपर कोई नीचे सब लोग बराबर चाहते हैं ठीक है आज के डेट में जो राइट टू इक्वालिटी है जो अगर पॉलिटी में बात पॉलिटी की मैं बात करूं राइट राइट टू इक्वालिटी ये तो संविधान में भी है आज के डेट में राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में 14, 15, 16, 17, 18 है ना आर्टिकल 14 क्या है कानून के समक्ष जो है समानता इक्वालिटी बिफोर लॉ ठीक है इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के हिसाब से सब लोग बराबर होंगे आर्टिकल 14 कहता है है आर्टिकल 15 भी कहता है कि नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट कलर क्रीड रिलीजन एंड बर्थ प्लेस जाति धर्म वर्ण लिंग एवं जन्म स्थान का भेदभाव नहीं होगा क्या, क्या कहता है आर्टिकल आर्टिकल क्या कहता है फिफ्टीन भी कहता है तो आज के डेट में संविधान भी उस चीज को मानती है कि राइट टू इक्वालिटी सबको समानता का अधिकार होना चाहिए समानता जो है सबका अधिकार है तो हालांकि संविधान तो अभी हुआ है हम लोग का 19 मतलब आजादी के बाद हुआ है इंप्लीमेंटेशन 1950 26 जनवरी को हुआ था बट यहां पर बात हो रही थी सबको एज ए इंसान भी क्या है सबको जो है बराबर चाहिए बट ये जो स्ट्रगल हो रहा था ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच में ब्राह्मण वैश्यज के बीच में सुसुदृरज वैश्यज और क्षत्रियज को भी अपना रिस्पेक्टेबल पोजिशन चाहिए सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ मतलब यू कैन से मतलब यू कैन से स्टार्टिंग मतलब जिसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी शुरुआत हुआ था ठीक है और एक रीजन मैं बताना चाहूंगा यहां पर देखो कि बिकम वेरी कम्प्लेक्स एंड हैड डी जेनरेटेड इन टू सुपरस्टिशियस एंड पर क्या कह रहा है कि देखो वेदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था और अंधविश्वास हट धर्मिता और कर्मकांड में पतित हो गया था उसका मतलब क्या है देखो वेदिक रिलीजन वेरी ठीक है जटिल हो गया था वेरी कंप्लेक्स हो गया था उसके साथ साथ क्या इन टू सुपरस्टिशियस सुपरस्टिशियस का मतलब क्या है सुपरस्टिशियस का मतलब है अंधविश्वास डॉगमास एंड रिचुअल्स ठीक है अंधविश्वास हठधर्मिता और कर्मकांड अंधविश्वास हठधर्मिता और कर्मकांड कांडों में पीड़ित हो गया था उसका मतलब क्या है उसका मतलब क्या है मैंने अभी बताया था जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि समोसा के साथ हरी चटनी खाओ या लाल चटनी खाओ फर्क नहीं पड़ने वाला वो हरी चटनी खाओगे या लाल चटनी खाओगे वो अंधविश्वास वाला चीज है लेकिन आप मेहनत करोगे तो आपका सिविल सर्विस होगा ये क्या है विश्वास वाला है तो ये मतलब इस तरह से कुछ लोग ऐसे थे मैं सबकी बात सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे थे जो कि अंधविश्वास को प्रमोट कर रहे थे कुछ लोग जो है अंधविश्वास को प्रमोट कर रहे थे और वैदिक रिलीजन कॉम्प्लेक्स उसको जटिल बना रहे थे ठीक है ये चीजें कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था ठीक है उसके साथ साथ देखो सेकेंड पॉइंट है कि फोर्थ नंबर पॉइंट में इजिंग ऑफ बुद्धिज्म एंड जेनिज्माजिक स्थिति चाहिए था उनको क्या चाहिए था बेहतर सामाजिक स्थिति चाहिए था और क्या चाहिए था शांति शांति पीस चाहिए था पीस चाहिए था ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा था, हो था कि बुद्ध मतलब उससे पहले जो था जो वैश्य थे जो बिजनेस क्लास थे उनको भी अपना लेवल बढ़ाना था उनको भी अपना लेवल को छोटा नहीं करना था बढ़ाना था उसके साथ साथ उनको भी बेहतर सामाजिक स्थिति या बेटर सोशल स्टेटस चाहिए था दैट इज द रीजन दैट बुद्धिज्म और जैनिज्म का शुरुआत हुआ है और एक रीजन मैं बताना चाहूंगा यहां पर रेडी टू एक्सेप्ट सिंपल एसेटिक िस प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ठीक है उसका मतलब क्या है मतलब बुद्धिज्म और जैन धर्म में सरल तपस्वी शांति ठीक है शांति सरल तपस्वी एंड शांति मतलब सिंपल ऐटिक एंड पीस सेंट्रेड प्रिंसिपल मतलब जहां पर सरल है शांति है पीस है लोग वहां पर फॉलो करना चाहेंगे जहां पर कंप्लेक्स है जहां पर बहुत सारे ये है बहुत सारे कंप्लेक्सिटी है ऊपर नीचे है हाई क्लास लोअर क्लास है ऐसे लोग तो अट्रैक्ट नहीं होंगे तो जहां पर सिंपल है सरल है चीजें वहां पर ही लोग जाएंगे तो इसलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है ज्यादा ओपिलिंग हो रहा था इसलिए लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा था दिस वॉज द रीजन ये मेन्स का क्वेश्चन है लिख लीजिए ये मेन्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है आपके पास यह मेन का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आपके पास कि और एक पॉइंट बताता हूं न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी डिमांडेड एनिमल हस्बेंड्री ठीक है नई कृषि अर्थव्यवस्था का उदय जिसमें पशुपालन की मांग की गई उसका मतलब क्या है राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ठीक है राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इकोनॉमी विच डिमांड एनिमल हस्बेंड्री नई कृषि अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का उदय जिसमें पशुपालन पशुपालन की मांग की गई उसका मतलब क्या है मैंने बताया था आप लोगों को अभी वेदिक काल में क्या हो रहा था कि मतलब स्लॉटर ऑफ एनिमल्स स्लॉटर ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या है कि एनिमल्स को मारना स्लॉटर ऑफ एनिमल्स चल रहा था वैदिक काल में क्या चल रहा था स्लॉटर ऑफ एनिमल्स चल रहा था स्लॉटर ऑफ एनिमल्स ठीक है मतलब पशुओं की मतलब पट बध करना बध करना यू कैन से पशुओं की बद करना मार बली देना सिंपल सी बात है बलि देना स्लॉटर ऑफ एनिमल्स ठीक है तो वैदिक 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 प्रैक्टिस एनिमल सेक्रीफाइस रेस्टिंग किलिंग एंड कैटल्स इंडिस्क्रिमिनेटली मतलब कहने का मतलब है एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए एग्रीकल्चर के लिए उस टाइम पे मैंने बताया था उस टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था हम लोगों के पास हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप नहीं था इरिगेशन फैसिलिटी भी इतना ज्यादा नहीं था तो जो भी बनता था इंसान या फिर जानवर के मतलब सपोर्ट में ही जो चीजें होती थी बट उस टाइम पे जानवर को मतलब वैदिक कल्चर में मारा जाता था स्लॉटर ऑफ एनिमल्स वाज देयर जो कि स्लॉटर ऑफ एनिमल्स होने की वजह से जो जो न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की शुरुआत होने वाला था जो नई कृषि अर्थव्यवस्था की होने वाला था जो पशुपालन पशुपालन की मांग मतलब जिसकी वजह से जो पशुपालन या फिर जो डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ द एनिमल्स है उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी उस, उसको स्लॉटर ऑफ द एनिमल्स होते थे जिसकी वजह से पशु पशुओं का संख्या कम हो रहा था तो एग्रीकल्चरल में इम्पैक्ट हो रहा था दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म का शुरुआत होता है अगर क्वेश्चन पुटअप होता है देखो मेन्स के लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन है यहां पर आप लिख सकते हो मेन्स के लिए कि ये जो पॉइंट है आप लोगों के सामने ठीक है कि कॉज ऑफ कॉज और ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जेनिज्म सिंपली वॉट वॉज द कॉज सिंपली लिख लीजिए ये मेंस का एक क्वेश्चन है वॉट वॉज द कॉज और और यू कैन से ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जैनिज्म सिंपल सी बात है व्हाट वाज़ द कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सिंपल सी बात है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मतलब ओरिजिन कैसे हुआ था किन किन कारण की वजह से हुआ था

कि वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डी इनटू इन टू बौद्ध धर्म में अंधविश्वास हट धर्मिता और कर्मकांड में पालित हो गया था देन उसके बाद जो है पेट्रोनाइजिंग बुद्धिज्म एंड जर्निज्म बाय वैश्य बिजनेस क्लास एंड अदर मार्चेंट हु वांटेड बेटर सोशल स्टेटस एंड रीजन पीस मतलब बेहतर सामाजिक स्थिति और शांति चाहिए था लोगों को उसके साथ साथ जो है यहां पर क्या है सिंपल एसेटिक एंड पीस सेंट्रिक प्रिंसिपल है जो कि लोगों को पसंद आ रहा था सरल तपस्वी एंड शांति जीवन जो है लोगों को पसंद आ रहा था उसके साथ साथ जो है जो राइज अप न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डिमांडेड एनिमल हस्बेंड्री एक नया एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी चाहिए था जिसको एनिमल हस्बेंड्री चाहिए था पशुपालन चाहिए था नई कृषि अर्थव्यवस्था का उदय जिसमें पशुपालन की मांग पशुपालन चाहिए था बट वैदिक टाइम पे पशु को मारे जाते थे पशु स्लॉट ऑफ एनिमल्स होता था ठीक है पशु हत्या की जाती थी तो जिनकी वजह से ये लोग जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म में आए थे ठीक है क्लियर है पॉइंट देन उसके बाद जो है डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म ठीक है यू कैन से डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म ठीक है डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म ठीक है ना देखो बेटा डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म मतलब तीन प्रकार का बुद्धिज्म तीन प्रकार बुद्धि पहला है हीनायन फर्स्ट है जो लिखा गया है दूसरा है मोहायन मोहायन और तीसरा तो है वज्रायन ठीक ठीक है 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 ये थ्री 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 टाइप्स टाइप्स बुद्धिज्म 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 और और जिसको स्कूल स्कूल भी भी कहा भी कहा जाता थोड़ा सा देख लीजिए उसके बाद जो है एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को थोड़ा सा सुन लीजिए तीन टाइप ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्कूल ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्कूल जिसको कहा जाता है एक है

हिन्यान के बाद आया था मोहायान हिंदन के बाद आया था मोहायान और सबसे अंतिम में जो आया था वो है वज्रायन सबसे अंतिम मतलब ये सबसे पहले उसके बाद उसके और हिन में हिंदन में गौतम बुद्ध को केवल एंड केवल एक इंसान माना जाता था भगवान नहीं माना जाता था केवल एक राजा का बेटा माना जाता था एक अच्छा इंसान माना जाता था तो गौतम बुद्ध वॉज ट्रीटेड एज ए ह्यूमन बींग इन द हिन्न और वहां पर मूर्ति पूजा गौतम बुद्ध जी को पूजा नहीं करते मूर्ति पूजा नहीं होता है बट महायान में क्या है ऐसा नहीं है महायान में गौतम बुद्ध जी को भगवान का आकार दिया जाता है भगवान के रूप में पूजा जाता है मतलब जिस तरह से हम हिंदू धर्म में कृष्ण कृष्ण जी को जिस प्रकार से राम जी को हम राम जी को एक भगवान का अब अवतार मानते हैं और पूजा करते हैं उस प्रकार से गौतम बुद्ध को वो लोग भगवान का अवतार मानते हैं और उसके साथ साथ उनका मूर्ति को भी पूजा करते हैं स्टेचू ऑफ गॉड स्टेचू आइडियल वर्शिप आइडियल वर्शिप मूर्ति को भी पूजा करते हैं वो कौन वो है मोहयन वाले फिर वज्रायन भी वो मूर्ति को पूजा करते हैं भगवान मानते हैं ये भी ठीक है और एक चीज है हिनयान हिनयान वाले हिन्यान का मानना है कि सेल्वेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू द सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन देखो निर्वाण को लेके तीनों का थॉट में बता देता हूं निर्वाण को लेके तीनों का थॉट में बता देता हूं आप लोगों को कि निर्वाण क्या है उनके लिए निर्वाण क्या है निर्वाण का मतलब है मोक्ष मोक्ष निर्वाण का मतलब है मोक्ष एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति जो भी बोल सकते हो सुप्रीम नॉलेज निर्वाण का मतलब है मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति सुप्रीम नॉलेज एनलाइटमेंट जो भी कह सकते हो उसको निर्वाण कहा गया ठीक है तो हिनयान का जो फिलोसॉफी है निर्वाण के हिसाब से उनका जो फिलोसॉफी है हिनयान का कि सेल्वेशन निर्वाण को सेल्वेशन भी कहा जाता है सेल्वेशन और निर्वाण कैन बी अचीव थ्रो सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन क्या है निर्वाण कैन बी अचीव थ्रू व्हाट सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन एंड 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 मेडिटेशन मेडिटेशन मतलब मैं बताऊंगा और भी एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ देन, देन आऊँगा अंदर पे उनका मतलब निर्वाण की प्राप्ति सेल्फ डिसिप्लिन से सेल्फ डिसिप्लिन मतलब स्वयं श्रृंखलित करना अपने आप को श्रृंखलित करना और मेडिटेशन मतलब ध्यान तो हम अगर ध्यान करेंगे और अपने आप को श्रृंखलित रखेंगे श्रृंखलित डिसिप्लिन मतलब श्रृंखलित रखेंगे तो हमें अपने लाइफ में निर्वाण की प्राप्ति होगी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप को अगर श्रृंखलित रखेंगे अपने आप को अगर ध्यान करेंगे मेडिटेट करेंगे तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी ठीक है ये किन का फिलोसॉफी था ये हिनयान का फिलोसॉफी था बट महायान ऐसे नहीं मानते महायान का फिलोसॉफी ऐसा नहीं था महायान का मानना था कि चाहे जितना भी कर्म कर लो जितना भी मेडिटेशन कर लो आप जितना भी श्रृंखलित लाइफ जी लो जब तक भगवान का दया नहीं होगा जब तक ग्रेस ऑफ गॉड नहीं होगा आपको जो है मतलब निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए ग्रेस ऑफ गॉड चाहिए तो निर्वाण और सल्वेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू ग्रेस ऑफ गॉड उनका फिलोसॉफी क्या था निर्वाण कैन बी अचीव्ड कैन बी अचीव्ड थ्रो थ्रो ग्रेस ऑफ गॉड ग्रेस ऑफ गॉड ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब है भगवान बुद्ध मतलब उनका फिलोसॉफी क्या था कि आप जितना भी मेहनत कर लो जितना भी मेडिटेशन कर लो जितना भी श्रृंखलित लाइफ ले लो जब तक भगवान का दया आपके पास नहीं रहेगा जब तक ग्रेस ऑफ गॉड आपके पास नहीं है भगवान का दया नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते मतलब थोड़ा बहुत कह सकते हो कि कर्म से ज्यादा वो किस्मत पे ज्यादा मानते थे कर्म से ज्यादा किस्मत पे ज्यादा मानते थे जैसे कि पहले वाले क्या है वर्क इज गॉड एक तरफ से जैसे कि अगर मैं बात करूं जैनिज्म की बात करूं अगर मैं बात करूं जैन धर्म की जैन धर्म जो है अगला क्लास में होगा जैन धर्म में क्या है वर्क इज गॉड है वर्क इज गॉड कर्म ही भगवान है वर्क इज गॉड मतलब कर्म ही भगवान है जैन धर्म में मतलब जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा ये किन का फिलोसोफी है जैनिज्म का फिलोसफी है मतलब वर्क इज वर्शिप कर्म ही भगवान है मतलब और कर्म के आधार पर आपको रिजल्ट में मिलेगा अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा बुरा कर्म करोगे आपको बुरा फल मिलेगा ये क्या है जैनिज्म का फिलोसॉफी है तो इस तरह का कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा रिलेट रखता है कि अपने आप को अगर मेडिटेशन या सेल्फ डिसिप्लिन करोगे तो निर्वाण की प्राप्ति होगी बट मोहाय ऐसा नहीं करता मोहयन क्या कहता है निर्वाण कैन बी अचीव थ्रो ग्रेस ऑफ गॉड भगवान का दया होना जरूरी है कर्म करो या फिर सेल्फ डिसिप्लिन करो या मेडिटेशन करो मतलब नहीं है एक और फिलोसॉफी है वज्रायन वज्रायन वज्र मैजिकल पावर वज्र का मतलब क्या है मैजिक मैजिक मैजिकल पावर जादू ही सकते उनका मानना है कि निर्वाण कैन बी अचीव थ्रू द मैजिकल पावर क्या है उनका फिलोसोफी क्या है निर्वाण निर्वाणा कैन बी अचीव थ्रो थ्रो क्या है मैजिकल पावर मैजिकल पावर मैजिकल पावर मतलब जादुई शक्ति निर्माण अचीव हो सकता है जादू मैजिकल पावर मैजिक मैजिक ठीक है जादू जादुई शक्ति के तौर पर ये था वज्रयान का सलवेशन कैन बी तो ये ज्यादा थ्री फिलोसोफी हिनयान महायान एंड वज्रयान अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को ठीक है चलिए सो so, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किस चीज पे सबसे पहले हम लोग आते हैं कि हिन यान जिसको जो है भी कहा जाता है ठीक है ना ठीक है तो सबसे पहला चीज देखो यहां पर लिटरेरी मीनिंग द लेसर पाथ और थेर वड़ा सिग्निफाइज द डॉक्टर ऑफ द एल्डर ठीक है हिंदन का लिटरेरी मीनिंग क्या है लिटरेरी मीनिंग क्या है कि कम पाथ कम पाथ द लेसर पाथ और फिर बड़ा एल्डर्स मतलब बुजुर्गों के सिद्धांत बुजुर्गों के सिद्धांत कह सकते हो ठीक है तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है लिटरेरी मीनिंग क्या है हिन्यान का मतलब है पाथ मतलब है कम पथ कम पथ ठीक है एक होता है ज्यादा मोर मोर ठीक है मोर या फिर डायमंड व्हीकल यह है लेसर पाथ कम ज्यादा कम वाला ठीक है यह है कम वाला लेसर पाथ है और थेर बड़ा सिग्निफाइज डॉक्टर ऑफ एल्डर्स क्या है ये डॉक्टर ऑफ एल्डर्स का मतलब क्या है बुजुर्गों के सिद्धांत बुजुर्गों के सिद्धांत मतलब दिस इज द ओल्डेस्ट फिलोसॉफी ये कह सकते हो कि दिस इज द ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट फिलोसॉफी दिस इज द ओल्डेस्ट वन ओल्डेस्ट वन यू कैन से दिस इज द ओल्डेस्ट वन ओल्डेस्ट फिलोसॉफी ठीक है पुराने लोगों के लिए पुरानी सोच है फर्स्ट सबसे पहले ही नही आया था क्लियर है दूसरा पॉइंट पे देखिए दूसरा पॉइंट पे देखिए ठीक है कंसिडर ऑर्थोडॉक्स स्कूल रूढ़ीवादी स्कूल ये क्या है कंसिडर ऑर्थोडॉक्स स्कूल ठीक है ये क्या है कंसिडर द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑर्थोडॉक्स स्कूल का मतलब क्या है दैट इज रूढ़ीवादी रूढ़ीवादी स्कूल माना जाता है उसको रूढ़ीवादी रुडि, स्कूल माना मतलब जो ओल्ड फिलोसॉफी पे बिलीव करता है एक है मॉडर्न मॉडर्न का वो उल्टा है ऑर्थोडॉक्स ठीक है रूढ़ीवादी का मतलब है आधुनिक का उल्टा है रूढ़ीवादी जो ओल्ड फिलोसॉफी पे बिलीव करते हो उनको ऑर्थोडॉक्स स्कूल कहा जाता है रूढ़ीवादी स्कूल कहा जाता है ठीक है तो कंसिडर ऑर्थोडॉक्स स्कूल एंड टू बी ट्रू टू गौतम बुद्ध टीचिंग देन मोहायन ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी क्या है दिस इज़ द ओरिजिनल स्कूल ऑफ है क्या है बौद्ध दर्शन का मूल विद्यालय जो ओरिजिनल जो एक्चुअली एक्चुअली बुद्धिज्म का जहां पर शुरुआत हुआ है एक्चुअली बुद्धिज्म का जहां से ओरिजिन हुआ है वो ही मूल देखो

स्क्रिप्चर्स आर इन पाली क्या है कौन सा भाषा है ये पाली देखो पाली एक होता है संस्कृत संस्कृत को माना गया है लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल संस्कृत क्या है दिस इज द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल जो ज्यादा पढ़ा लिखा है जो इंटेलेक्चुअल है जो पढ़ा लिखा है वही समझ सकता है बट पाली पाली इज द कॉमन लैंग्वेज लैंग्वेज फॉर ऑल लैंग्वेज फॉर ऑल पाली और पाली में ही गौतम बुद्ध अपना जो है शिक्षा देते थे ताकि वो सब लोग समझ सके आप खुद 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 समझिए कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज होगा तो आप समझ पाओगे या सिंपल लैंग्वेज होगा तो समझ पाओगे आपको क्या अच्छा लगेगा सिंपल लैंग्वेज अच्छा लगेगा तो संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल बट पाली इज द लैंग्वेज ऑफ द सिंपल दैट्स वाय हिनयान में देखो पाली पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था और महायान में जो है सांस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था तो यहां पर क्या है द स्क्रिप्चर आर पाली इसके ग्रंथ जो है पाली है पाली पाली भाषा जो कि दिस इज कॉमन लैंग्वेज पाली इज द कॉमन लैंग्वेज पाली क्या है पाली जो है दिस इज कॉमन लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज और संस्कृत जो है संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल ठीक है संस्कृत कॉमन लैंग्वेज नहीं है सब लोगों को संस्कृत नहीं आता है संस्कृत जो है डिफिकल्ट लैंग्वेज है एंड दैट इज लैंग्वेज दिस इज द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल बट पाली इज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन सो द स्क्रिप्चर आर पाली एंड द लैंग्वेज ऑफ दैट बुद्ध टॉट इन जिस लैंग्वेज में गौतम बुद्ध जी जो है शिक्षा देते हैं जिस भाषा में बुद्ध जो है शिक्षा दी थी क्लियर है पॉइंट तो आप देख सकते हैं यहां पर पहला चीज है हिंदन का पहला चीज है लेसर पाथ लेसर पाथ और डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स मतलब कम पाथ और बुजुर्गों के सिद्धांत कहा गया है दूसरा चीज क्या है ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑर्थोडॉक्स स्कूल का मतलब क्या है रूढ़ीवादी स्कूल है तीसरा क्या है कि थेर ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धि फिलोसॉफी उसका मतलब थे, लैंग्वेज है।, है, है पाली जो गौतम बुद्ध लैंग्वेज दैट यूज बाय द गौतम बुद्ध इन टीचिंग इसके पाली ग्रंथ में है और जिसका भाषा जो है मतलब गौतम बुद्ध जो है शिक्षा देते थे इस भाषा में क्लियर है पॉइंट उसके बाद आते हैं नेक्स्ट देखो ट्रीट बुद्धा नथिंग मोर देन ए ह्यूमन ये सबसे टेंट बात है देखो गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध जी को ठीक है गौतम बुद्ध जी को मतलब केवल ह्यूमन बींग के हिसाब से ट्रीटमेंट होता था मतलब बुद्ध को एक इंसान से ज्यादा कुछ नहीं मानते तो गौतम बुद्ध को केवल इंसान के हिसाब से गौतम बुद्ध को जो है केवल आम इंसान के हिसाब से चूज किया जाता है यह आम इंसान किस लिए बताया जा रहा है क्योंकि मतलब उसके बाद जो है मोहायन में गौतम बुद्ध को भगवान का रूप दिया जाता है गौतम बुद्ध को किस रूप दिया जाता है भगवान का रूप स्वयं गौतम बुद्ध को भगवान माना जाता है आम इंसान नहीं जैसे जिस प्रकार से कृष्ण भगवान जिस प्रकार से राम भगवान जो है नॉर्मल इंसान के घर में पैदा हुए थे बट है भगवान उस प्रकार से गौतम गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते एक राजा का बेटा एक इंसान मानते हैं क्लियर है पॉइंट चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है देखो जो मैं बताया था आप लोगों को अगला पॉइंट वाला कि डनॉट बिलीव इन आइडियल वर्शिप मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते हैं मैंने बताया था आप लोगों को अगर अगर इंसान मानेंगे अगर नॉर्मल ह्यूमन बींगानेूर्ति पूजा तो मूर्ति तो जाहिर सी बात है अगर भगवान मानेंगे तो मूर्ति पूजा करेंगे अरे क्या बात है लकी नंबर पर हम लोग आगे वन 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 स्टूडेंट ऑफ लाइफ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो बहुत जल्दी मैं ये चाहूंगा टू 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 चाहूंगा फिर चाहूंगा थ्री 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 देन फोर 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 देन फाइव 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 और देन उसके बाद जो है वन 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 और एक वन चाहिए होगा है ना एक हजार से ज्यादा बच्चों को लाइव चाहिए मुझे एक दिन यहां पर आने वाला है और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं एक वो दिन आएगा आज नहीं तो कल वो दिन आएगा मुझे अपने टीचिंग पे भरोसा है अपने पे भरोसा है और अपने कंटेंट पे भरोसा है अब तो आप लोगों के हिसाब से कंटेंट भी आ गया देख लीजिए ठीक है कंटेंट जो है मैं खुद बैठ के मेहनत कर रहा हूँ मेरे टीम पाँच पांच, पांच मेंबर मैंने रखा है कंटेंट बनाने के लिए बट वो बनाने के बाद मैं खुद बैठ के मेहनत करता हूं ताकि मैं किस हिसाब से बच्चों को रिप्रेजेंट कर सकूँ बच्चों के लिए आसान हो कौन कौन सा क्वेश्चन मैं सेट करूँ प्रिलिम्स के कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेट करूँ कौन कौन से मेन्स का क्वेश्चन आपके लिए रखूँ सब जो है सेट है सब जो है सेट है और ये मेहनत हम आप लोगों के लिए हमेशा करते रहेंगे हमेशा से करते रहेंगे बस आप बने रहिए और जुड़े रहिए बस आप बने रहिए और जुड़े रहिए ठीक है और देखना मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि जो मेरी वीडियोज है चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो एंशंट हिस्ट्री हो चाहे मेडिकल हिस्ट्री हो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो चाहे आर्ट एंड कल्चर हो चाहे पॉलिटी हो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको माय प्रॉमिस है ये आप लोगों के पास कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी सबसे बढ़िया चीज है वट अवर दल टीच इन द्लासेज आल मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज इन द क्लासेज जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा क्लास में ही आपको याद रहने वाला है आज रात मैं सोने से पहले गर्लफ्रेंड या नहीं याद आएगी या फिर बॉयफ्रेंड नहीं याद आएगी आज जो है ये तेरवा हिन्यान बुद्धम ये सब याद आने वाला है ठीक है ये 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 मैं मैं चाह रहा हूँ अपना टीचिंग का तारीफ नहीं कर रहा हूँ बट ये मैं आपको मजबूर कर दूंगा ये चीज़ें सोचने के लिए ठीक है ये इतना इम्पैक्ट के साथ मैं पढ़ाऊंगा इतना तरीके से पढ़ाऊंगा इतना सिस्टमेटिकली पढ़ाऊंगा कि मैं मजबूर कर दूंगा आप जैसे कि इतिहास को बोलते हैं ना सर इतना सारा पढ़ते हैं याद नहीं रहता है बेटा मेरा क्लास अब दो तीन क्लास देखिए आपको इतिहास भूलना मुश्किल हो जाएगा याद तो छोड़िए आपको इतिहास भूलना मुश्किल हो जाएगा दिस इज़ माई प्रोमिस टू यू

ये जो सेल्वेशन वर्ड है सेल्वेशन का मतलब है निर्वाण निर्वाण और सुप्रीम नॉलेज सुप्रीम नॉलेज और एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति जो भी मान सकते हो तो ये जो निर्वाण का मतलब है उसको जो है सेल्वेशन भी मान सकते हो सेल्वेशन उसको सेल्वेशन मान सकते हो ठीक है उसको जो है निर्वाण मान सकते हो उसको जो है मोक्ष मोक्ष मान सकते हो उसको मोक्ष मान सकते हो उसको सुप्रीम नॉलेज मान सकते हो उसको ज्ञान की प्राप्ति मान ले सकते हो उसको एनलाइटमेंट मान सकते हो जो मानना है मान लीजिए वो मीनिंग सेम है सेल्वेशन और निर्माण की प्राप्ति सुप्रीम नॉलेज और एनलाइटमेंट सेम चीज है ठीक है तो यहां पर जो कंसेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की थी आप लोगों को देखिए कि इंडिविजुअल सेल्वेशन मतलब निर्वाण निर्वाण थ्रो सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन ठीक है क्या है ये इंडिविजुअल निर्वाण क्या है थ्रो सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन एंड क्या है मेडिटेशन से ठीक है मतलब आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करना की प्रयास करता है मतलब यू कैन से सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन आत्म अनुशासन ठीक है सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अनुशासन मतलब सिस्टमेटिकली काम करना अनुशासन उसके साथ साथ ध्यान से जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है मैंने बताया था कि वाले मानते हैं कि अगर सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं या फिर हम सेल्फ जो है मतलब डिसिप्लिन या फिर मेडिटेशन करते हैं तो हमें मोक्ष एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है यह उनका फिलोसॉफी है मैंने बताया भी था ठीक है उसके बाद आते हैं उसके बाद देखो अल्टीमेट एम ऑफ हिनायन इज निर्वाण अल्टीमेट एम हिनायन का क्या है निर्वाण है निर्वाण है अल्टीमेट एम अंतिम लक्ष्य क्या है उनका जो है निर्वाण ही है ठीक है हो गया स्क्रीनशॉट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आज का आज का आज का पिक्चर सब क्लियर है मेरे हिसाब से ठीक है आज मैंने खुद बैठ के किया है ये सब चीजें पीपीटी तो मैं समझ रहा हूं कि आज का जो कंटेंट जो है आप लोगों के लिए जो है क्लियर होगा है ना चले देन उसके बाद आता है मोहायन अभी हमने डिस्कस किया था हिनायन हिनायन को मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं आप लोगों के आपके दिमाग में रह जाएगा हिनायन ठीक है पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि यह है लेसर पाप है जिसको कम पथ कहा जाता है और थे बड़ा ऑफ एल्डर्स बुजुर्गों के सिद्धांत कहा जाता है ठीक है दूसरा पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि ये जो है ऑर्थोडॉक्स स्कूल है मतलब रूढ़ीवादी स्कूल माना जाता है उसके साथ साथ थेरवाड़ा वाज द ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी मतलब थेरवाद बौद्ध दर्शन का मूल विद्यालय है उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर जो ग्रंथ है वो पाली है और लैंग्वेज दैट बुद्ध टॉट मतलब गौतम बुद्ध जो शिक्षा देते थे पाली लैंग्वेज में ही शिक्षा देते थे क्लियर है point? अगला जो टॉप अगला चीज जो हमने डिस्कस किया कि गौतम बुद्ध को केवल इंसान के हिसाब से ट्रीटमेंट होता था नॉर्मल बुद्ध को एक इंसान से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे वो लोग ठीक है और उसके बाद जो है जो आइडियल वर्शिप मूर्ति पूजा

उसके बाद आता है महायान उसके बाद क्या आता है महायान ठीक है मोहायान में क्या है उसका लिटरेरी मीनिंग क्या है द ग्रेटर पाथ बड़ा पथ जिसको कहा गया है ठीक है द टर्म मोहा कहां खांसी एक बार जरूर आती है आप लोगों के क्लास में पता नहीं कौन मिस कर रही है हैं गिव मी जस्ट थर्टी सेकेंड मैं ब्रेक नहीं दे रहा हूं ये ब्रेक नहीं है जस्ट थर्टी सेकेंड दीजिए स्टार्ट करेंगे थर्टी सेकेंड

ब्रेक चाहिए तो बताना ठीक है मैं लंबा लंबा क्लास लेता हूँ हर एक घंटे एक में जो है पाँच मिनट का ब्रेक मैं देता हूँ ठीक है मैं जो है मेरा दो ढाई तीन घंटा होती है और हर एक हर एक वन आवर के बाद थोड़ा सा पाँच मिनट का ब्रेक देता हूँ ताकि आप चाय पियो कॉफ़ी पियो थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो है ना कितना टाइम हुआ अभी अच्छा वन आवर हो गया चले कोई नहीं अब तो जोश में हूँ तो पढ़ा लेता हूँ ठीक है क्या बात है यार चलिए हाँ तो जो उसमें है तो थोड़ा सा पढ़ा लेता हूं उसके बाद देख दूंगा ठीक है हाँ तो यहां पे बात कर रहा था सुनाई दे रहा है सब कुछ और क्लियर है एक बार एक बार लिख दो अब की बार यूपीएससी पार ये लिखने का मतलब है आप लोगों को सुनाई दे रहा है एक बार लिख दीजिए अब की बार यूपीएससी पार छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं लिखो एक बार सब लोग अब की बार यूपीएससी पार चाहूंगा सब लोग लिखें जितने जितने बच्चे हैं ना 108 बच्चे हैं सब लोग लिखें अब की बार यूपीएससी पार सब लोग लिखें एक बार जो लिखोगे उनका सिलेक्शन होगा बेटा जो लिखोगे उनका सिलेक्शन होगा सोच लो किसको लिखना है किसको नहीं लिखना है फिर बाद में मुझे मत कहना यार ठीक है देखो टीचर का कहावत मन लग जाता है आपको ठीक है <laughs> समझ रहे हो तो सब लोग एक बार लिखो अब की बार यूपीएससी पार यस यस यही चाहिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा अब ये मेरा स्लोगान है ठीक है अब की बार यूपीएससी पार ठीक है छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं यूपीएससी के लिए ठीक है आपकी बार यूपीएससी पर चलिए बहुत अच्छा चलिए ठीक है मैं मैं खुद मानता हूं देखो हम खाना दिन में चार बार खाते हैं ठीक है और जोश भी चार पांच बार होना चाहिए तभी जाके आप जो ऐसा मत सोचिए कि पांच दिन पहले आठ दिन पहले आप जोश में थे एक्साइटेड थे वो सब कुछ हो जाएगा ना 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 जोश जो है हर एक दिन में तीन चार बार चाहिए आप अगर आयस बनना चाहते हो क्योंकि माइंड इतना फ्लेक्सिबल है ना माइंड इतना जल्दी चेंज होता है दुनिया में शायद कोई चीज इतना चेंज नहीं होता इसलिए इस माइंड को बना के रखिए इसमें देखो एक चीज मैं बता रहा हूं अगर प्रिपरेशन के लिए यहां तक चाहिए देखो प्रिपरेशन के लिए मान लीजिए कि दस घंटा पढ़ना जरूरी है टेन आवर्स पढ़ना जरूरी है तो आप क्यों एट आवर्स सेवन आवर्स सिक्स आवर क्यों पढ़ोगे यार क्यों अगर दस घटना टेन आवर्स पढ़ने से सिलेक्शन हो रहा है तो आप क्यों ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो आप ट्वेल्व आवर्स थर्टीन आवर्स आवर्स क्यों नहीं पढ़ोगे मुझे बताओ समझ रहे हो तो हमेशा जितना चाहिए उससे ज्यादा मेहनत करो आपका सिलेक्शन पक्का है आपको कोई नहीं रोक सकता और दूसरा चीज मैं बता रहा हूं माइंड को जो है गुलाम बना के रखो अपना क्या करोगे माइंड को अपना नौकर बना के रखो गुलाम बना के रखो मतलब माइंड को आप जैसे बोलोगे वैसे रूल करना चाहिए उठ मतलब उठ बेट मतलब बेट मतलब उस तरह का कहने का मतलब है माइंड को अपना गुलाम माइंड ने आपको गुलाम बना दिया ना फिर सत्यानाश कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में अगर लाइफ में सबसे मतलब आगे जाना है बड़ा कुछ करना है कुछ करके दिखाना है तो उसको गुलाम बनाना सीखो माइंड के गुलाम मत बनो माइंड को गुलाम बनाओ मतलब कहने का मतलब है जैसे बोलोगे वैसे करेगा ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं <laughs> हाँ। तो यहां पर बात कर रहा था देखो फर्स्ट है लिटररी मीनिंग द ग्रेटर पाथ बड़ा पथ है एंड एंड टर्म वर गिवन बाय स्कूल ठीक है मोहायान मुहाया, और हिनयान जो है शब्द दिए गए थे मोहायान स्कूल ने दिए गए थे ठीक है मोहायान को तो यहां पर दिस इज मोहान इज द ग्रेटर पाथ मतलब बड़ा पथ ठीक है एंड मोहान एंड स्कूल जो है मोहन और हिनयान शब्द दिए गए थे मतलब हेट्रोडॉक्स स्कूल वो क्या था ऑर्थोडॉक्स वो क्या था हिनयान जो है ऑर्थोडॉक्स था यह क्या है, है। यह क्या है हेट्रोडॉक्स स्कूल

मतलब हिनयान होने के बाद ही मोहायान सबसे पहले क्या हुआ था हिनयान हुआ था हिन्यान, उसके बाद क्या हुआ मोहायान उसके बाद क्या हुआ वज्रायान वज्रायान तो ये जो है सबसे ओल्डेस्ट है ये मीडियम है और ये सबसे बाद में अंतिम में हुआ था ठीक है ए सिंपल इज दैट देन उसके बाद देखो मतलब यहां पर जो है मतलब एक कह सकते हो कि टू चीफ फिलोसोफी स्कूल एक है मध्यमिका और एक है ठीक योगो, है एक है माध्यमिका एक है योगाचार ठीक है टू स्कूल है दो प्रमुख दार्शनिक विद्यालय हैं और उसके साथ साथ यहां पर जो है संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था मैंने बताया था वहां पर कौन सा लैंग्वेज था पाली पाली किसका लैंग्वेज था दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन कॉमन मतलब कॉमन पीपल का लैंग्वेज था संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ व्हाट इंटेलेक्चुअल ठीक है जो पढ़े लिखे हैं उनका भाषा है संस्कृत कॉमन लोगों का भाषा है पाली पाली जो है सब लोग को आता है संस्कृत सब लोगों को नहीं आता है ठीक है सो इट्स स्क्रिप्ट आ संस्कृत ठीक है एंड uh, उसके बाद ट्रीट बुद्ध एज ए गॉड वर्शिप आइडल वर्शिप तो यहां पर गौतम बुद्ध को भगवान के हिसाब से ट्रीट किया जाता था मतलब गौतम बुद्ध हेवेनलिनेस ऑफ गॉड हेवेनलिनेस ऑफ गौतम बुद्ध मतलब वर्शिप आइडियल वर्शिप ऑफ गौतम बुद्ध मतलब यहां पर वहां पर क्या था मूर्ति पूजा पे आइडियल वर्शिप नहीं था यहां पर क्या है मूर्ति पूजा पे बिलीव करते थे आइडियल वर्शिप है गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाता था यहां पर क्लियर है पॉइंट भगवान के रूप में पूजा जाता था ठीक है नेक्स्ट उसके बाद देखो बिलीव इन यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम ऑल बींग हैंस द ग्रेटर vehicles. उसको क्या कहा गया है ग्रेटर व्हीकल्स मतलब मोहान बहान मतलब सभी प्राणियों के लिए पीड़ा से सर्वभौमिक मुक्ति पीड़ा से मुक्ति यू कैन से लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग क्या है लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग उसका मतलब क्या है पीड़ा से मतलब एक तरफ से मुक्ति मुक्ति ठीक है पीड़ा से मुक्ति उसके साथ साथ देखो ये जो अल्टीमेट एम ऑफ द स्पिरिचुअल अपलिटमेंट आध्यात्मिक उत्थान ठीक है और उसका अल्टीमेट एम महायन का क्या है अल्टीमेट एम जो है दैट इज स्पिरिचुअल अपलिटमेंट आध्यात्मिक उत्थान ये जो है उसका अल्टीमेट एम है अल्टीमेट एम है उसके बाद देखो यहां पर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पर मैंने एक चीज बताया था कि सेल्वेशन जो मोक्ष की बात किया था मैंने जो सेल्वेशन की बात किया था जो एनलाइटमेंट की बात किया था वहां पर क्या बताया था सेल्फ डिसिप्लिन से क्या बताया था सेल्फ डिसिप्लिन से और जो मेडिटेशन से जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है बट यहां पर ऐसा नहीं है मोक्ष की प्राप्ति यहां पर कैसे होगी ग्रेस ऑफ गॉड भगवान के दया से देखो अलाउ alternative टू बी the थ्रो of Amitab बुद्ध मतलब ये से? ग्रेस ऑफ अमिता बुद्ध का मतलब क्या है ग्रेस ऑफ गॉड मतलब भगवान के दया से ही जो है सेल्वेशन की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है हो सकती है ठीक है तो एंड बाय मींस ऑफ द फेथ एंड डिवोशन द माइंडफुलनेस ऑफ द बुद्ध बिलीव इन द मंत्र ठीक है मतलब यू कैन से बहुत ध्यान में विश्वास और भक्ति में माध्यम से मंत्रों में विश्वास करता है मंत्रों में विश्वास करता है क्लियर है पॉइंट देन उसके बाद देखो जो समरी कर देता हूं जो पॉइंट सब है उसको समराइज कर देता हूं मैं क्या क्या चीजें यहां पर हमने डिस्कस किया है ठीक है तो महायान में सबसे पहले चीज है यह है ग्रेटर पाथ है बड़ा पाथ है ठीक है और यहां पर जो महायान एंड हिनयान जो है वो महायान स्कूल से आया है ठीक है उसके बाद जो है यह है हेट्रोडॉक्स स्कूल स्कूल है है विधर्मी वो क्या था ऑर्थोडॉक्स स्कूल था ठीक है रूढ़ीवादी स्कूल था उसके बाद जो है इट ओरिजिनेटेड लेटर देन हिनयान हिनयान के बाद हुआ है महायान देन हुआ वज्रायान उसके बाद जो है यहां पर माध्यमिक और योगाचार जो कि प्रमुख दार्शनिक विद्यालय में है माध्यमिक और योगाचार उसके बाद जो है सांस्कृत शब्द का इस्तेमाल हुआ था पाली शब्द जो कमन जो इस्तेमाल नहीं हुआ है और गौतम बुद्ध को भगवान के रूप आइडियल वर्शिप वर्शिप ऑफ आइडियल गौतम बुद्ध को मतलब मूर्ति पूजा होता था यहां पर उसके बाद देखिएगा कि बिलीव इन द यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग पीड़ा से सार्वभौमिक मुक्ति ठीक है इसलिए उसको ग्रेटर व्हीकल्स कहा जाता है इसलिए उसको महान वाहन कहा जाता है उसके साथ साथ उसका जो मूल उद्देश्य है अल्टीमेट एम जो है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटमेंट अल्टीमेट उद्देश्य जो है उसके बाद जो है जो सेलबेशन की अगर मैं बात करें क्या है ग्रेस ऑफ गॉड अमिताभ बुद्ध ठीक है मतलब गौतम बुद्ध मतलब यू कैन से भगवान का दया चाहिए सेल्बेशन की प्राप्ति के लिए ठीक है उसके बाद बाई मीन्स ऑफ फेथ एंड डिवोशन टू माइंडफुलनेस ऑफ द बुद्ध बिलीव इन मंत्र बुद्ध के ध्यान में विश्वास और भक्ति में के माध्यम से मंत्र में विश्वास करता है तो यह था हमारी हिन्यान एंड मोहायान अब आता है वज्रयान ठीक है अब आता है वज्रयान ठीक है अब आता है वज्रयान देखो सबसे पहले वज्रयान में जो लिटरेरी मीनिंग क्या है वज्रयान का लिटरेरी मीनिंग है व्हीकल्स ऑफ थंडर थंडरवर्ल्ड का मतलब क्या है यहां पर जो है वज्र वज्र का वाहन थंडरबोल्ड का मतलब वज्र ठीक है चड़क वज्र जो है थंडरबोल्ड ठीक है उसको जो है डायमंड व्हीकल्स भी कहा जाता है मतलब हीरा वाहन वाहन भी कहा जाता है दिस इज ऑल्सो नोन एज डायमंड व्हीकल्स दैट इज नोन एज हीरा वाहन भी वाहन भी कहा जाता है ठीक है और ये आमतौर पर देखो मतलब यू कैन से मंत्रयान तंत्रयान तांत्रिक या ये सब चीजों पे ही होती है ठीक है तो ये जो है मंत्रयान तंत्रयान तांत्रिक ठीक है ये सब चीजों से भी होती है ध्यान रखना तो यहां पर मंत्र मंत्रयान तंत्रयान ठीक है तांत्रिक मंत्रयान तंत्रयान तांत्रिक ये सब चीजें भी यहाँ पर होती है ठीक है मंत्र तंत्र जो होती है यहाँ पर ठीक है एंड उसके साथ साथ द पीरियड ऑफ इंडिया वज्रायन बुद्धिज्म हैज बीन क्लासिफाइड एज द फाइनल पीरियड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया अंतिम अवधि के रूप में वर्गीकृत किया गया मतलब ये जो है फाइनल पीरियड ऑफ बुद्धिज्म पहला पीरियड क्या है किन दूसरा क्या है मोहायान थर्ड क्या है बजरायान तो ये जो है फाइनल पीरियड है ठीक है फाइनल पीरियड है यू कैन से उसके साथ साथ इट ट्रांजेक्शन मोहायन स्पेकुलेटिव थ्रो द एनेक्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आइडिया इन इंडिविजुअल लाइफ यह मोहायन सट्टा विचार विचार से व्यक्तिगत जीवन में बोध विचारों के अधिनियम के संक्रमक को चिन्हित करता मतलब यू कैन से यहां पर कह सकते हो कि ये जो है ट्रांजिशन फ्रॉम स्पेकुलेटिव थ्रो बुद्धिस्ट आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल लाइफ जो इंडिविजुअल लाइफ की यहां पर भी बात करती है इंडिविजुअल लाइफ की बात करती है ठीक है एंड टर्म बज्र इज यूज फॉर सिग्निफिंग द एब्सुलट रियल इन इंडिस्ट्रक्टेबल इन द ह्यूमन बींग बज्र का मतलब क्या होता है देन <coughs> उसके बाद आता है नेक्स्ट उसके बाद देखो ये जो मेन चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर ठीक है देखो एक एक और चीज है कि अपियर इन ईस्टर्न इंडिया ईस्टर्न इंडिया मतलब जो बंगाल है ठीक है बिहार है उस तरफ ठीक है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तो अपेयर इन ईस्टर्न इंडिया इन द एट सेंचुरी एंड फाइनली एस्टैब्लिस्ड इन तिब्बत ठीक है ये क्या हुआ था अपियर इन ईस्टर्न इंडिया जो पूर्वी भारत है एपियड इन इस्टर इंडिया पूर्वी भारत में और फाइनली एस्टाब्लिश कहां पर हुआ था तिब्बत तिब्बत मतलब क्या है इंडिया और चाइना के बीच में जो रीजन है वो है तिब्बत रीजन इंडिया और चाइना के बीच में जो रीजन है वो तिब्बत रीजन इन द इलेवेंथ सेंचुरी इलेवेंथ सेंचुरी में एज द रिजल्ट ऑफ द मिशन सेंड फ्रॉम ग्रेटर वजरा इन मोनिस्ट्री ऑफ द विक्रमाशीला ठीक है hmm. और अल्टीमेट ट्रूथ इज रियलाइज एज व्यूज बाय एनलाइटमेंट माइंड ठीक है Mind. तो यहां पर जो है इलेवेंथ सेंचुरी में पहले ईस्टर्न इंडिया में था बाद में जो है वो तिबतन एरिया में होने लगा ठीक है उसको कहा गया है देखो उसको जो है इट इट सी इट से क्विक मोर इफेक्टिव पाथ ऑफ एनलाइटमेंट क्या है क्विक एज वेल एज मोर एफेक्टिव पाथ ऑफ वाइटमेंट एनलाइटमेंट ठीक है मतलब यू कैन से तेज और अधिक प्रभावी है मतलब एक तरफ से जो आत्मज्ञान एनलाइटमेंट मतलब आत्मज्ञान क्विक 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 Quick way में उसके साथ साथ एक तरफ से कह सकते हो कि जो हम लोगों को जो इनर एक्सपीरियंस को डील करना बजरा टेक्स यूजली यहां पर जो है ज्यादातर जो है सिंबलिक लैंग्वेज इस्तेमाल होता है सिंबलिक लैंग्वेज दैट इज नोन एज सभ भाषा सभ्य भाषा सिंबलिक लैंग्वेज सभ्य भाषा और ट्विलाइट लैंग्वेज ट्विलाइट लैंग्वेज ठीक है ठीक है <coughs> तो यू ये कह सकते हो कि सिंबलिक लैंग्वेज ठीक है प्रतीकात्मक भाषा जिसको कहा जाता है अत्यधिक प्रतीकात्मक भाषा सिंबलिक लैंग्वेज सिंबलिक लैंग्वेज ठीक है गोधुली भाषा और सांध्य भाषा तो उसको कहा गया है सांध्य भाषा और ट्वीलाइट लैंग्वेज ट्वीलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है जो सिंबलिक हिसाब से जो सिंबल के थ्रो जो भाषा इस्तेमाल होता है दैट इज नोन है सिंबलिक लैंग्वेज ठीक है और यहाँ पर एक चीज मैंने बताया था कि जो सल्वेशन की प्राप्ति होती है जो मोक्ष की प्राप्ति होती है दैट इज द्रो द वज्र मैजिकल पावर मैजिकल पावर के थ्रो सल्वेशन की प्राप्ति यहां पर होती है ठीक है तो सिंपल सी बात है इट फॉलोज सल्वेशन कैन बी अटेंड बाय एक्वार द मैजिकल पावर मैजिकल पावर जादुई शक्ति के द्वारा यह चीजें जो है होती है आप देख सकते हो यहां पर क्लॉक वाइज फ्रॉम टॉप लेफ्ट श्रीलंका जापान एंड नेपाल श्रीलंका जापान एंड नेपाल ठीक है श्रीलंका जापान और नेपाल ठीक है चलिए हाँ उसके बाद एक चीज और दिखा दो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबसे इंपॉर्टेंट दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यहां से देखो एक क्वेश्चन पक्का आएगा आप देख लेना ठीक है यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा देखो दिस इज वन ऑफ द समरी 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 अब गौतम बुद्ध जी ठीक है देखो क्या समरी है देखो ध्यान से देखो सबसे पहले जो है एज की बात की गई है ठीक है जीरो के जगह पे हम यहां पर वन भी लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं दैट विल बी मोर बेटर ठीक है जीरो तो होगा नहीं वन लिख लिख लीजिए बर्थ है तो प्लेस जो है लुम्बनी वना लुम्बनी वना कहाँ पे है बेटा नेपाल में है लुम्बनी वना है नेपाल में नेपाल में लुम्बनी भी उसको जो है लुम्बनी भी कहा जाता है लुम्बनी वना नेपाल यहां पर क्या हुआ था उनका जन्म हुआ था बर्थ हुआ था और सिंबल क्या है सिंबल बर्थ का सिंबल जो है लोटस है एंड बुल बुल लोटस एंड बुल इज द सिंबल ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध ठीक है फिर 29 ईयर ट्वेंटी एज ट्वेंटी 29 ईयर एज में लुम्बनी वन से जो नेपाल में है वो जो है घर को परित्याग कर दिए थे घर छोड़ दिए थे सन्यास बन गए थे क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को बचपन से ही जब जब उनका 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 जो नामकरण हुआ था उसमें बहुत सारे ज्योतिष को बुलाया गया मैंने पहले ही बताया था और वहां पर बहुत सारे ज्योतिष ने ये कहा कि ये गौतम बुद्ध आयदर बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या फिर बहुत बड़े सन्यास बनेंगे लेकिन एक ज्योतिष थे उन्होंने कहा पूरी तरह से कि नहीं ये राजा बनेंगे ही मतलब बहुत बड़े सम्राट बनेंगे ही नहीं ये केवल एंड केवल संन्यास ही बनेंगे तो सुदोधन जो उनके फादर थे घबरा गए थे और उनको पूरा दुनिया का सारे भोग विलास जो है देने लगे कि अलग अलग घर में रहने लगे सर्दी में अलग जगह पे रहते थे गर्मी में अलग बारिश में अलग मतलब उनके साथ लड़कियों से घिरे रहते थे खाना पीना सोना हर तरह का दुनिया का जितना भी फैसिलिटीज दे सकें वो दिए थे ताकि उनका बेटा जो है ब्रह्मचार्य नाम उसका बेटा जो है मतलब मतलब संन्यास ना बन जाए ठीक है क्योंकि उनका एक ही बेटा था और वो भी जब ओल्ड एज में हुआ था तो ज्यादा केयर कर रहे थे है ना तो डिपाचर घर छोड़ दिए थे 29 में बना से और उस घटना को क्या कहा जाता है मोहाबीसी इंपॉर्टेंट है उस घटना को क्या कहा जाता है मोहाबीसी कर्मना और उसका सिंबल जो है हॉर्स है हॉर्स वाट सिंबल क्योंकि हर्ष में ही वो मतलब गए थे घर छोड़ के हर्ष में ही गए थे उसके बाद फिर घर छोड़ने के बाद छह साल के बाद एट द एज ऑफ थर्टी फाइव ईयर कहां पे गया? गया कहां पे है बिहार में है गया कहां पे है बेटा बिहार में है उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी एनलाइट एनलाइटमेंट का मतलब क्या है निर्वाण सुप्रीम नॉलेज ज्ञान की प्राप्ति एनलाइटमेंट मोक्ष जो भी कह सकते हो एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति सुप्रीम नॉलेज मोक्ष निर्वाण निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और उनका सिंबल क्या है बोधी ट्री, बोधि ट्री का मतलब क्या होता है जो पीपल का पेड़ है पीपल 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 का पेड़ को बोधि ट्री कहा जाता है क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे ही वो जो है अपना ध्यान में मग्न थे और वहां से ही उनको एनलाइटमेंट मिला था तो पीपल का पेड़ को बोधी गौतम तो बुद्ध थे इसलिए बोधी ट्री भी कहा जाता है फिर उसी साल में उसी साल में थर्टी फाइव ईयर एज में ही उसी साल में सारनाथ में सारनाथ कहां पे है बेटा यूपी में है सारनाथ जो है यूपी में है उन्होंने अपना पहला शिक्षा फर्स्ट सेरमन उन्होंने अपना पहला शिक्षा कहा है फर्स्ट सेरमन जिसको कहा जाता है धम चक्र परिवर्तन जिसको कहा जाता है ध्यान रखना ये याद रखना जरूरी है धम चक्र प्रवर्तन धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है और उसका सिंबल है विल विल ठीक है ध्यान रखिएगा तो 35 साल की उम्र में ही सारनाथ में जो कि यूपी में है फर्स्ट सिरमन फर्स्ट सेरमन का मतलब है शिक्षा दिए थे जिसको धर्मचक्र चक्र प्रवर्तन कहा जाता है विल सिंबल जो है विल है उसके बाद उसके बाद जो है अस्सी साल की उम्र में खुशी नारा और खुशी नगर भी कहा जाता है यह भी यूपी में है खुशी नारा और खुशी नगर यह भी यूपी में है उनका जो है डेथ हो गया था जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है उस डेथ को क्या कहा जाता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है और सिंबल जो है द सिंबल सिंबल क्या था स्तूप द सिंबल तो ध्यान रखने वाला चीज है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं और ये आप स्क्रीनशॉट ले लो उससे क्वेश्चन जरूर बनेगा पहला चीज क्या है जन्म हुए थे लुम्बनी वन में नेपाल में है बोर्थ ठीक है उस सिंबल जो है लोटस एंड द सिंबल ट्वेंटी नाइन ईयर एज में लुम्बनी बना में उन्होंने घर छोड़ दिया था जो नेपाल से और उस, उसको कहा जाता है सिंबल बाद देखिए थर्टी फाइव ईयर एज में गया में बिहार में है गया एनलाइटमेंट मोक्ष की प्राप्ति हुई थी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी सिंबल जो है बोधी ट्री पीपल का पेड़ फिर पैंतीस साल की उम्र में ही सारनाथ में दैट इज इन यूपी फर्स्ट सेरमन पहला शिक्षा अपने जो शिष्य को दिए थे पांच शिष्य थे उसको कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन विल वॉज द सिंबल एंड 80 साल के उम्र में खुशी नारा में और खुशी नगर में यूपी के उनका डेथ हो गया था जिसको महापरिनिर्माण कहा जाता है स्तूप वॉज द सिंबल समझ में आ रहा है कि नहीं तो अभी थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाहूंगा यहां पे हल्का सा छोटा सा ब्रेक है ठीक है ठीक है तो बेटा पांच मिनट का ब्रेक है यहां पर लेकिन बने रहिएगा एमसीक्यूज टॉपिक खत्म नहीं हुआ है टॉपिक खत्म करूंगा उसके बाद एमसीक्यूज भी है उसके बाद मेन्स क्वेश्चन भी बचा हुआ है आप लोगों को दूंगा और टेलीग्राम मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बेटा जीएस बाय ब्योमेश मेहर ये टाइप कर लीजिए जीएस बायमकेश मेहर ये जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है ये जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है जीएस बाय ब्योमस मेहर यहां पे ज्वाइन कर लीजिए दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जीएस बायमकिस मेहर जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है आम्. ये जो है टेलीग्राम चैनल जो है जीएस बाय व्यूमकेश मेहर आप टेलीग्राम चैनल में टाइप कर दो आ जाएगा समथिंग अराउंड सेवेंटीन थाउजेंड के आसपास पास हैं स्टूडेंट तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए ठीक है दो चैनल है एक खाली भीमकेश मेहर मारोगे तो भी आ गया दस हज़ार के आसपास है वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर पी आप लोगों को मिल जाएगा और वहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है किसी को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप मुझसे डायरेक्टली भी कंटेक्ट कर सकते हो पी ले सकते हो और मेरा जो कोड है कोड है बेटा जो कोड है मेरा एडमिशन अगर लेना चाहते हो तो मेरा कोड जो है ब्योम है बी वाई ओ एम दिस इज माई कोड अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप मुझसे कंटेक्ट भी कर सकते हो या इसी कोड में बी वाई ओ एम बी वाई ओ एम कोड में एडमिशन करते हो तो मैं आपको स्पेशल मेंटरशिप दूंगा मेरे तरफ से गाइडेंस दूंगा और मेरे तरफ से आप लोगों को सजेशन भी दूंगा कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है किस तरीके से पढ़ना है किस तरह से तैयारी करना है ठीक है जो कोड रहेगा व्योम बीवाई ओ एम ठीक है तो अभी पांच मिनट का ब्रेक है कहीं जाएगा मत थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक लेके फिर से आएगा हम लोग टॉपिक खत्म नहीं हुआ है फिर से टॉपिक को खत्म करेंगे और पूरा अच्छा से पढ़ेंगे ठीक है बने रहिए और जुड़े रहिए यस गाइस यस 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 आ जाइए सब लोग फटाफट से शुरू करते हैं ठीक okay, okay. है आप लोग आगे आवाज क्लियर है प्यारे बच्चों आवाज क्लियर है कि नहीं बताइए और क्लियर लिख दीजिए एक बार ताकि मैं समझाऊं कि समझ जाऊं कि सब कुछ क्लियर है एक बार ऑल क्लियर लिख दीजिए यस आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एक बार और ऑल <laughs> yes, क्लियर लिख दें यस yes. चलिए शुरू करते हैं है ना? चलो हाँ तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि यस yes, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए जीएस बाई बजमेर में ज्वाइन कर लीजिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते ठीक है अब देखो लाइफ ऑफ बुद्ध लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध के लाइफ ठीक है ना <coughs> देख पा रहे हो मुझे सब कुछ मामला ठीक है शुरू कर दिया जाए चलिए हाँ ठीक है देखो लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध में गौतम बुद्ध जी का बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ और 563 बीसी में उनका जो है जन्म हुआ था कहां पर दैट इज दैट इज लुम्बनी बना लुम्बनी वन जो है नेपाल में है नियर कपिल वस्तु के पास जो है नेपाल में है और बैसाखी पूर्णिमा के दिन पे उनका जन्म हुआ था और उनका फादर का नाम है सुदोधना जो कि साक्य क्लान से थे ये प्रिलिम्स में क्वेश्चन भी आया था जो कि साक्य क्लान से थे मतलब एक क्षत्रिय क्षत्रिय क्लान है ठीक है और उनका मदर का नाम है महामाया हालांकि वो जन्म देने के सात दिन के अंदर जो है उनके मदर का डेथ हो गया था तो उनको जो परवरिश किए थे उनके जो स्टेप मदर हैं जिनका नाम है गौतमी गौतमी ठीक है तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था उनका बचपन का जो नाम था वो है सिद्धार्थ सिद्धार्थ ठीक है और 563 सिक्सटी थ्री में उनका जो है जन्म हुआ था कहाँ पर कहाँ पर लुम्बनी बना नेपाल में उसको लुम्बनी भी कहा जाता है दैट इज नोन एज लुम्बनी लुम्बनी और ये कहाँ पे है नेपाल में है नेपाल में है ठीक है और कौन सा दिन में वैशाख पूर्णिमा के दिन में वैशाख पूर्णिमा के दिन में उनका जन्म हुआ था ठीक है और उनका जो जगह का नाम है वो है लुम्बनी वना लुम्बनी वना कहां पे है कपिल वस्तु नेपाल में है कपिल वस्तु नेपाल में ठीक है, है और फादर का जो नाम है सुदोधना सुदोधना फादर का जो नाम है फादर का जो नाम है वो है सुदोधना और जो है साक्ष्य क्लैन से थे जो है साक्ष्य क्लैन 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 से थे क्षत्रिय क्षत्रिय क्लैन कह सकते हो साक्ष्य क्लैन से थे ठीक है हालांकि हुआ द रूलर ऑफ कपिल वस्तु इन द कोसला किंगडम सुदोधना जो है रूलर ऑफ कपिल वस्तु कोसला किंगडम के राजा कोसला किंगडम के राजा ठीक है और उनका मदर का नाम है महामाया उनका जो मदर का नाम है क्या है महामाया मदर का नाम क्या है महामाया ठीक है इसी द प्रिंसेस ऑफ कोसला डायनेस्टी गिव बर्थ और सात दिन के अंदर ही उनका डेथ हो गया था उसके बाद उनका जो परवरिश किए थे उनका जो स्टेप मदर स्टेप मदर है ठीक है ठीक है स्टेप मदर जिनका नाम है गौतम स्टेप मदर का नाम है गौतमी स्टेप मदर का नाम है गौतमी ठीक है तो 563 में उनका जन्म हुआ था उनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था ठीक है और जगह का नाम है लुम्बनी वना कपिल वस्तु के पास है कहाँ पे है नेपाल में है और पिता के नाम जो है सुदोधन ठीक है जो कि कोसला साम्राज्य के राजा थे कपिल वस्तु के शासक थे और माता जो है महामाया और उनके जो स्वतीली माता स्टेप मदर जो है स्वतीली माता स्टेप मदर जो है गौतमी ये था उनका मतलब यू कैन से लाइफ ऑफ बुद्धा यू कैन टेक स्क्रीनशॉट दिस थिंग दिस इज द लाइफ ऑफ बुद्धा ठीक है उसके बाद देखिए उनके बारे में देखो मतलब जब जब मैंने बताया था जब सुदोधना जो कपिल वस्तु के राजा थे ठीक है कोसला किंगडम के राजा थे उनको बहुत साल तक बेटा नहीं हो रहा था तो एट द ओल्ड एज में उनको बेटा हुआ था वो है सिद्धार्थ तब तक जो है गौतम बुद्ध नहीं बने थे तब उन्होंने क्या किया कि दुनिया भर के ब्राह्मण ज्योतिषों को बुलवाया और अपने बेटों के बारे में पूछने पूछने के लिए ठीक है तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ये गौतम बुद्ध जो है सिद्धार्थ जो है आधर बहुत बड़ा सम्राट बनेंगे या फिर बहुत बड़े संन्यास बनेंगे क्या है बहुत बड़े सम्राट बनेंगे आइदर बहुत बड़े मतलब ही ही वुड 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 बी वर्ल्ड और जो भविष्यवाणी किया गया था विश्व विजेता या विश्व त्यागी ठीक है विश्व विजेता या विश्व त्यागी या फिर बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े सन्यास बनेंगे जो मतलब वर्ल्ड में फेमस है ठीक है हालांकि इट वॉज बिलीव दैट सुन आफ्टर ही वॉज बॉर्न सटन ब्राह्मण सो ही थर्टी टू मार्क्स ऑफ महापुरुष देखा गया था जो कि थर्टी टू मार्क्स ऑफ महापुरुष जो महापुरुष के थर्टी टू मार्क्स होते हैं ग्रेट मैन के उनके बॉडी में देखा गया था जिससे ये प्रिडिक्शन किया गया था कि बहुत बड़े कनकोर बनेंगे या बहुत बड़े प्रिनाउंसर मतलब संन्यास बनेंगे ठीक है मतलब ऐसा माना जाता है कि उनके जन्म के तुरंत बाद कुछ ब्राह्मणों ने उनके शरीर पर एक महापुरुष के 32 निशान 30 मार्क्स 32 मार्क्स 32 निशान देखे थे जिससे ये हुआ था कि आयदर विश्व विजेता बनेंगे या विश्व त्यागी बनेंगे ठीक है तो उन्होंने प्रिडिक्ट इसलिए इसलिए ये ज्योतिष ने प्रेडिक्ट किए थे इसलिए ही उनको उनके फादर दुनिया भर के सारे ऐस और आराम में रखने की कोशिश की चारों तरफ लड़कियां खाना पीना हर हर तरह का फैसिलिटी गर्मी में अलग क्वार्टर सर्दी में अलग क्वार्टर बारिश में अलग क्वार्टर अच्छा से रखने की कोशिश की ताकि उनको किसी भी प्रकार का दुख फील ना हो ताकि वो सन्यास के तरफ जाए इसलिए दुनिया भर के सुख जो है उनके झोली में डाल दिए थे अपने फादर ने ठीक है हिज फादर वॉन्टेड टू कीप हिम अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ रेनाउंसिएशन हि सेल्डेड हिम जैसे maximum maximum कि, maximum maximum कि गर्मी में अलग से क्वार्टर सर्दी में अलग से क्वार्टर बारिश में अलग से क्वार्टर हर तरह से खाना पीना रहना रानियों से भरपूर ठीक है ताकि वो खुशी से रहे ताकि वो भटके ना ठीक है और उनका जो शादी हुआ था मतलब उन्होंने शादी किए थे यशोधारा से 16 साल की उम्र से ही शादी किए थे और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम है राहुल राहुल ठीक है, But, 29 ईयर एज में उन्होंने चार चीज देखकर उनका मन में परिवर्तन हुआ कौन कौन सा है एक ओल्ड मैन है एक एक बुजुर्ग इंसान एक सिख मैन एक बीमार शरीर और एक एक मतलब कह सकते हो कि एक डेड बॉडी देखे और एक एसेटिक को देखे एक सन्यास को देखे तो जब वो ओल्ड पर्सन को देखे थे या फिर सिख मैन को या डेड शरीर को देखे थे उनको ये चीज रियलाइज हुआ था और उनको जो साथी थे ये बताए थे कि जिंदगी में सबको ओल्ड होना है सबका शरीर एक ना एक दिन वीक होता है सिख होता है और सबको जो है मतलब इस संसार से जाना है सबका डेथ जो है सुनिश्चित है और जो खुश रहता है वो है वंडर जो जो एसेटिक है जो जो सन्यास है ठीक है वो जो है सबसे खुश रहता है तो इस बात में वो परिवर्तन हुए थे और उन्होंने 29 नाइन एज की उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़कर वो चले गए थे और उस प्रोसेस को महाविशिक ग्रेट रनिएशन भी कहा जाता है ठीक है ही मेरेड टू यशोधारा यू ही मेरेड टू यशोधारा जब उनको मतलब एट द एज ऑफ सिक्सटीन जब उनको सोलह साल हुआ था वो शादी किए थे और उनका एक बेटा भी हुआ था मतलब गौतम बुद्ध और यशोधारा का बेटा जो है राहुल नाम तो सुना होगा है ना द नेम राहुल राहुल थे एंड एट द एज ऑफ ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन ईयर एज में जब उन्होंने एक ओल्ड मैन ए सिक मैन ए कॉर्प्स और एन एन एसेटिक तो उन्होंने डिसाइड किया देखकर उन्होंने को लगा कि वो छोड़ देंगे तो उन्होंने जो देखा था एक बूढ़े व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति एक लाश और एक सन्यासी ठीक है उन्होंने जो देखा था एक है बूढ़ा व्यक्ति एक है बीमार शरीर और एक है लाश और एक है सन्यासी ठीक है एक है सन्यासी तो एक ओल्ड मैन एक सिक मैन एक कॉप्स और एक एन एसेटिक तो उनको लगा कि दुनिया में जो बूढ़े व्यक्ति हैं ओल्ड पर्सन है या जो सिख बीमार शरीर है सबको होना है या फिर लाश डेथ जो है सुनिश्चित है बट जो सन्यासी है जो सन्यासी है या जो एसेटिक है वो सबसे ज्यादा सुख रहता है इस दुनिया के सुख दुख जो है उसको घेर नहीं पाता सबसे खुशी रहता है ठीक है तो ही डिसाइडेड टू लिव द मतलब हिज पैलेस विथ विथ हिज चना चना कौन है चेरिएटर चेरिएटर एंड हिज फेवरेट हॉर्स उसका नाम क्या है कथका कथका इन सर्च ऑफ इन सर्च ऑफ ट्रूथ सत्य की खोज में जिस प्रोसेस को कहा जाता है मोहाबिशी कर्मना मोहा किसी कर्मना और ग्रेट रेनशिएशन भी कहा जाता है ठीक है तो उन्होंने जो है मतलब चना के साथ चना जो कौन था चना जो है सारथी चना जो है सारथी जो रथ चलाने वाला सारथी और अपने पसंदीदा घोड़े कंटक अपना पसंदीदा घोड़े जो है कंटक के साथ उन्होंने जो है परित्याग कर दिया था उसको कहा जाता है महावेशी कर्मना महावेशी कर्मना जिसको महान त्याग भी कहा गया है कितने साल में ट्वेंटी नाइन ईयर एज में कितना साल में उनतीस साल की उम्र में ठीक है उनतीस साल की उम्र में सिंपल सी बात है उन्होंने अपने बीवी को अपने बच्चा को अपने सिंहासन को सब कुछ छोड़कर वो एक सन्यास होने की तरफ सन्यासी की तरफ वो चल दिए मतलब घर सब कुछ छोड़ के चल देखिए जब आपके पास कुछ नहीं होता है छोड़ने के लिए तब छोड़ना शायद आसान है बट आपके पास इतने सारे रानी हैं इतने सारे मतलब आप राजा हो आपके पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ है फैमिली है सब कुछ है फिर भी आप छोड़ के जाते हो उसके लिए जो है बहुत बड़े कलेजा चाहिए है ना तो ये काम जो है उन्होंने कर दिखाया था ठीक है और 35 साल की उम्र में एट देखो वो उन्होंने घर छोड़ा था कब 29 नाइन ईयर एज में जो है उन्होंने घर छोड़ दिया था फिर आफ्टर सिक्स ईयर कितना साल के बाद आफ्टर सिक्स ईयर कितना साल हो गया आफ्टर सिक्स ईयर पैंतीस साल थर्टी फाइव ईयर्स ठीक है थर्टी फाइव ईयर्स तो थर्टी फाइव पैंतीस साल के एज में पैंतीस साल के अल्टीमेटली अटेंड द निर्वाणा निर्माणा का मतलब क्या है एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई निर्माणा की प्राप्ति हुई एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई कहां पर कहां पर गया में गया कहां पे है दट इज इन बिहार बोध गया उसको बोध गया भी कहा जाता है ठीक है मगध उस टाइम पे उसको मगध कहा जाता था बिहार को मगध कहा जाता था अंडर पीपल ट्री अंडर क्या है पीपल ट्री पीपल का पेड़ ठीक है और रिवर का नाम क्या है निरंजना ध्यान रखना रिवर का नाम क्या ये सब याद रखना है ठीक है कहाँ पर वो मतलब कहाँ पर एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी निर्माण की प्राप्ति हुई थी वो है बोध गया कौन सा पेड़ के नीचे पीपल पेड़ के नीचे कौन सा रिवर रिवर निरंजना पैंतीस है, है? So, साल की उम्र में उन्होंने जो है अपना मतलब गया मगध बिहार में निरंजना नदी के नीचे निरंजना नदी के नीचे उन्होंने पीपल पेड़ के निरंजना नदी के साइड में पीपल पेड़ के नीचे उनको जो है मतलब ज्ञान की प्राप्ति मिली थी ठीक है निर्माण की प्राप्ति मिली थी क्लियर है पॉइंट ये चीजें सब याद रखना जरूरी है तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ चीजों को थोड़ा सा आपको याद हो जाए फैक्चुअल डाटा है कुछ नहीं है थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए गौतम बुद्ध के बारे में देखो तो गौतम बुद्ध के बारे में पहला चीज है उनका जो जन्म हुआ था फाइव सिक्सटी थ्री उनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ है वैशाख पूर्णिमा के दिन में जन्म हुए थे लुम्बनी मना लुम्बनी नेपाल में है कपिल वस्तु के पास नेपाल में फादर का नाम है सुदधना साक्या सा क्लान से थे ये सवाल प्रीलिम्स में आया था कौन सा क्लान से थे और मदर का नाम है माया हालांकि सात दिन के बाद उनका डेथ हो गया था उनका स्टेप मदर गौतमी जो है मतलब सतिली माँ जो है गौतमी जो जो है उनको, जो है उनको उनको मतलब उनके मम्मी परवरिश की थी उसके बाद जो है जो सन्यासी आए थे उन्होंने कहा था आइदर ही वुड बी कंकोर और वर्ल्ड रिनाउंसर मतलब आइदर भविष्यवाणी किया गया था कि विश्व विजेता होंगे या फिर मतलब वो विश्व त्यागी होंगे ठीक है इसलिए उनको पूरा लग्जरी के साथ सारे सुख सुविधाओं के साथ उनको रखा गया था फिर भी वो मतलब उसके बाद उनका शादी हुआ था यशोधारा से शादी हुआ था 16 साल की उम्र में उनका बेटा हुआ था राहुल 29 साल की उम्र में जब उन्होंने देखा था बूढ़ा व्यक्ति एक बीमार शरीर एक लाश और एक सन्यासी तो उनके मन में भी जागा कि किसी ना किसी दिन वो भी बूढ़े बन जाएंगे वो भी बीमार हो जाएंगे उनका भी लाश होगा मतलब डेथ हो जाएगी इसलिए सन्यासी होना बेटर है इसलिए उन्होंने सब कुछ परित्याग कर दिया था और अपना जो मतलब सारथी यू कैन से सारथी चन्ना के साथ जो है कंटक उनका जो हर्ष है उन्होंने परिनिर्माण मतलब यू कैन से महा महाबीसी कर्मण महाबीसी कर्म परित्याग कर दिए थे ग्रेट निन महान त्याग करके वो छोड़ के चले गए थे फिर जो है छह साल के बाद पैंतीस साल की उम्र में उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे गया में बिहार में ठीक है पीपल पेड़ के नीचे अंदर रिवर निरंजना रिवर ठीक है और पीपल पेड़ के नीचे उसको बोधी ट्री इसलिए कहा जाता है आर गेटिंग माई पॉइंट ये सब चीजें मैं आप लोगों को पूछूंगा ठीक है उसके बाद देखो उन्होंने अपना जो शिक्षा, शिक्षा मतलब जिसको फर्स्ट कहा जाता है उन्होंने जो है पांच पर्सन अपना जो शिष्य थे पांच पर्सन को उन्होंने शिक्षा दिया था कहां पे सारनाथ सारनाथ कहां पे है यूपी में। उस उस प्रोसेस को जो पहले शिक्षा दिए थे उस प्रोसेस को धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है टर्निंग द व्हील्स ऑफ द धम 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 चक्र परिवर्तन कहा जाता है ठीक है तो ध्यान रखिएगा द गौतम बुद्ध डिलीवरी हिज फर्स्ट सेरमन सेरमन का मतलब है है? ठीक यू कैन से डिलीवरी फ्रॉम सफरिंग ऑफ हिज फाइव जो पांच थे पांच फॉर्मर कंपेनियन थे साथी थे उनको सारनाथ पे सारनाथ कहां पे है सारनाथ मैंने बताया था दैट इज इन यूपी यूपी में है ठीक है दिस इवेंट इज नोन एज धम चक्र चक्र प्रवर्तना धम चक्र उसको क्या कहा जाता है धम चक्र प्रवर्तना धम चक्का चक्का प्रवर्तना प्रवर्तना धम चक्र परिवर्तन कहा जाता है ये जो शिक्षा दिए थे उसको धम चक्र परिवर्तन कहा जाता है मीनिंग टर्निंग द व्हील ऑफ द धमा, टर्निंग द व्हील ऑफ द धमा, ठीक है उस धर्म चक्र बदला धर्म का चक्र बदलाना धर्म का चक्र बदलाना टर्निंग द विल ऑफ द धर्म एंड द फाइव डिसिप्लिन सुन रियलाइज बिकम द अर्थ ठीक है तो जो ये जो पांच शिष्य ने जल्दी ही स्वयं स्वयं सत्य को जान लिया और और अहर्थ बन गए ठीक है अहर्थ बन गए थे क्लियर है पॉइंट तो ये चीजें हुआ था सारनाथ में सारनाथ उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है ठीक है आप देख सकते हैं ठीक है गौतम बुद्ध के पिक्चर को भी दे उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है ठीक है उसके बाद देखिए द बुद्ध वंडर अबाउट द टीचिंग ऑफ इज डॉक्टर फॉर ओवर फोर डी के एंड एस्टेब्लिश एन ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स एंड नॉन नॉन एज द संघा फिर उन्होंने क्या बनाया था उन्होंने संघ बनाया था संघ उन्होंने क्या बनाया था उन्होंने संघ बनाया था संघ जहां पर जो है मतलब मॉन्क्स एज वेल एज नॉन मॉन्क और नॉन में क्या है जो मतलब गौतम बुद्ध को अपनाए थे जो मेल है उनको जो है मॉन्क कहा जाता है और जो फीमेल है उनको नॉन कहा जाता है सीधी सी बात है और उसके बाद ही फाइनली अटेंड द परिनिर्वाण परिनिर्वाण मतलब उनका डेथ हो गया था अटेंड द परिनिर्वाण एट द एज ऑफ एटी एटी एज में उनका डेथ हो गया था कहाँ पे खुशी नारा स खुशी नारा कहाँ पे खुशी नारा इज ऑल्सो इन यूपी उत्तर प्रदेश बताया था मैंने खुशी इज इन यूपी ठीक है उनका एटी साल में उनका जो है डेथ हो गया था उस प्रोसेस को परिनिर्माणा कहा जाता है, है Then, उसके बाद देखो बुद्ध इज रिप्रेजेंटेड इन फाइव फॉर्म्स ठीक है उनका जो बर्थ है जो सिंबल जो है लोटस एंड बुलनाउंसिएशन जो घर छोड़ दिए थे सिंबल जो है हॉर्स देन मोहाबोधि बोधी ट्री जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी देन फर्स्ट जिसको कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन और निर्वाण जो है फुटप्रिंट्स ठीक है द बुद्ध रेप्रेजेंट इन फाइव फॉर्म्स ठीक है अब देखो डॉक्टरिन बुद्धिज्म ठीक है अब क्या है डॉक्टर बुद्धिज्म के सिद्धांत बुद्धिज्म के सिद्धांत और डॉक्टर ठीक है डॉक्टर ऑफ बुद्धिज्म दिस इज नोन एज डॉक्टरिन ऑफ बुद्धिज्म इज नोन एज डॉक्टर ऑफ बुद्धिज्म ठीक है ट्रुथ क्या है बुद्ध का फोर नोबेल ट्रुथ आई डिस्कस दिस फोर दिस फोर नोबेल ट्रुथ अब गौतम बुद्ध बुद्ध अभी मैं बताऊंगा सॉरी फोर नोबेल ट्रुथ क्या है मैं अभी बताऊंगा ठीक है फोर नोबेल ट्रुथ ऑफ गौतम बुद्ध ये चीजें क्या है मैं अभी बताऊंगा उसके बाद जो है अष्टांगिक मार्ग अष्टांगिक मार्ग का मतलब है एट फोल्ड पाथ उसके साथ साथ जो है मिडिल पाथ उसके बाद जो है सोशल कोड ऑफ कंडक्ट एंड उसके बाद जो है अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा निर्वाणा ठीक है तो ये जो है मतलब बुद्ध के सिद्धांत का मूल अरिया सच्चनी चार महान सत्य उसके बाद जो है अष्टांगिक मार्ग आठ गुण पथ मध्य मार्ग सामाजिक आचार सहित, संहिता और और ये जो है निर्वाण के बारे में मैं बात अभी करूंगा ठीक है अब देखो गौतम बुद्ध के बारे में बुद्ध एक्सप्लेन द टीचिंग आर जस्ट लाइक ए व्हिच हेल्प वन टू तो क्रॉस ओवर द टर्बलेंस ऑफ द रिवर ऑफ द लाइफ ऑफ सफरिंग मतलब ये संसार में जो दुख है पीड़ा है दर्द है उसको दूर करने में गौतम बुद्ध का जो टीच, टीचिंग जो है काम में आता है ठीक है अब देखो द फोर नोबेल ट्रुथ की बात करते हैं मतलब बुद्ध के चार आर्य विचार ठीक है फोर नोबेल द फोर नोबल ट्रुथ ऑफ गौतम बुद्ध सबसे पहले क्या है उनका मानना क्या है द ऑ ऑफ सफरिंग क्या है द ट्रूथ ऑफ सखरेम दुख 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 के बारे में गौतम बुद्ध ने कहा कहा है कि दुख जो है परमानेंट है सुख परमानेंट नहीं है यह बहुत गहरी बात उन्होंने कहा है कि जो दुख जो है हमारे साथ रहता है और हमेशा रहता है और यह परमानेंट है सुख जो है परमानेंट नहीं आता सुख कभी कभी आता है फिर चला जाता है कभी कभी आता है फिर चला जाता है बट दुख जो है हमेशा हमारे साथ रहता है दूथ ऑफ सफरिंग ये भी उन्होंने कहा था और दुख का कारण उन्होंने कहा देखो द ट्रूथ ऑफ सफरिंग बुद्ध टॉट दैट एवरीथिंग इज सफरिंग संभव दुखम it referred not only to the actual pain and sorrow experienced by an individual but also the potential to express these things theek hai matlab you can you can say मतलब दुख दुख का सत्य बुद्ध ने कहा सिखाया है कि सब कुछ दुख है मतलब संभव दुखम यह ना केवल किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए वास्तविक दर्द और दुख को मतलब संदर्भित करता है बल्कि इन इन चीजों पे अनुभव करने की क्षमता भी दर्शाता है मतलब सिंपल सी बात है संभव दुखम मतलब दुख जो है हमेशा है परमानेंट है उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग क्या है कॉज ऑफ सफरिंग दुख का कारण क्या है कि समुदाय उन्होंने कहा कि डिजायर 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 मतलब तृष्णा इज द मेन कॉज ऑफ द सफरिंग मतलब दुख का कारण उन्होंने क्या बताया कि दुख का कारण जो है मतलब जो हम लोग का डिजायर है तृष्णा है यही दुख का कारण है जो इच्छा शक्ति है यही जो है दुख का कारण समुदय इच्छा इच्छा तृष्णा ठीक है दर इज डिजायर द रूट कॉज ऑफ द सरो मतलब हम डिजायर जैसे कि हम लोग अभी साइकिल में जा रहे हैं फिर मन करता है हम बाइक में जाएं फिर बाइक के बाद बुलेट का मन करता है फिर फोर व्हीलर फिर फोर व्हीलर में से लग्जरी बी चाहिए ऑडी चाहिए मर्सिडीज चाहिए फिर जो है फ्लाइटर जेट चाहिए समझ रहे तो दु, दु, जो ये जो हमारी जो हमारी डिजायर का ये ये डिजायर कभी खत्म नहीं होता जब तक इंसान है तब तक डिजायर रहेगा हाँ हालांकि गौतम बुद्ध का मानना है कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सरो तो सरो को हम कैसे दूर करेंगे द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग निर्दो दिस इज सफरिंग कैन बी एंडेड बाय अटेंडिंग निर्वाण तो निर्वाण की प्राप्ति से ही दुख का अंत हो सकता है डिजायर के कंट्रोल से ही दुख का अंत हो सकता है तो ये डिजायर को कंट्रोल करना या निर्वाण की प्राप्ति करना कैसे करेंगे बाय फॉलोइंग अष्टांगिक मार्ग अष्टांगिक मार्ग मतलब एट फोल्ड पाथ अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या है एट फोल्ड पाथ एट फोल्ड पाथ मतलब उन्होंने क्या कहा कि दुख का दुख का एंड कैसे हो सकता है ये सेम चीज है हिंदी में उसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है हिंदी में और संस्कृत में कह सकते हो और इंग्लिश में एट फोल्ड पाथ मतलब उन्होंने कहा कि दुख का दुख का अंत जो है अष्टांग का मार्ग से होगा एट फोल्ड पाथ से ही होगा और ये एट फोल्ड पाथ क्या है ये एट फोल्ड पाथ क्या है जैसे कि मैंने पहले ही समझाया था आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था एक दिखा देता हूं एक चीज है एट फोल्ड पाथ जो है पहला स्लाइड जो फर्स्ट स्लाइड है दिस इज द एट फोल्ड पाथ ठीक है रुकिए मैं दिखा देता हूं ये बढ़ा करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों हाँ। तो एट फोल्ड पाथ जो है ये है एट फोल्ड पाथ ठीक है ये है एट फोल्ड पाथ ठीक है अष्टांग का मार्ग और दिस इज नोन एज एट फोल्ड पाथ अब गौतम बुद्ध दिस इज नोन एज एट फोल्ड पाथ और और यू कैन से अष्टांगिक मार्ग अष्टांगिक मार्ग ठीक है मार्ग ठीक है क्या है उसमें एट फोल्ड पाथ में देखो एट फोल्ड पाथ में क्या है जैसे कि सबसे पहले जो है राइट अंडरस्टैंडिंग राइट right अंडरस्टैंडिंग मतलब सही सोच होना जरूरी है आपका समझ जो है अंडरस्टैंडिंग जो है सही होना जरूरी है आपका अंडरस्टैंडिंग समझ में सही आना चाहिए दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि राइट right थॉट जो हम लोग का मन में जो विचार है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव राइट थॉट राइट थॉट का मतलब है पॉजिटिव विचार आना चाहिए हमें कुछ नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए राइट right थॉट जो है हमें जो है मतलब निर्वाण की तरफ ले सकता है थर्ड उन्होंने क्या कहा है राइट स्पीच मतलब हम जो भी बोलते हैं ठीक है जैसे कि मधुर भाषा या फिर जो भी बोलते हैं मतलब कड़वा शब्द नहीं होना चाहिए लोगों को दिल को दुखाने वाला नहीं होना चाहिए दर शुड बी राइट स्पीच प्रॉपर सही जगह पे सही चीज़ बोलना या चापलूसी भी नहीं होना चाहिए दैट इज़ नोन एज फोर्थ क्या है राइट कंडक्ट राइट कंडक्ट मतलब कहाँ पर किस परिस्थिति में किस प्रकार से हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना दैट इज़ नोन एज राइट कंडक्ट दैट इज़ नोन एज राइट कंडक्ट अगर किसी की मृत्युशयाम है किसी के डेड बेडी जा रहा है वहाँ पर आप हंसी मजाक ठिठोले कर रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है तो कहाँ पर किस प्रकार का बिहेव करना है दैट दैट रिप्रजेंट यू दैट इज़ नोन एज राइट कंडक्ट है ना उसके बाद जो है राइट राइट मीन्स ऑफ मेकिंग ए लिविंग मतलब हम देखो जिंदगी में सब कुछ इस पेट के लिए पापी पेट के लिए किया जाता है जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है अपने प्रोफेशन है आप लोग पढ़ रहे हो अपना आयस बनने के लिए तो कहीं ना कहीं हर कोई जो है प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है मतलब ऐसा प्रोफेशन नहीं होना चाहिए जो किसी को दुख में किसी को मर्डर करके किसी को फांसी करके किसी को रेप करके या किसी को उल्टा सीधा काम चोरी करके ये चीजें नहीं होना चाहिए राइट दैट इज राइट मीन्स ऑफ मेकिंग ए लिविंग देन उसके बाद जो है राइट मेंटल एटीट्यूड एंड एफर्ट ये सबसे जरूरी है आप कल के डेट में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो और यूपीएससी क्लियर आपके इसी 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 कारण से होगा राइट मेंटल एटीट्यूड एंड एफर्ट आपका जो मेंटल एटीट्यूड मेंटल एटीट्यूड एंड एफर्ट जो है प्रॉपर होना चाहिए जितना बेहतर होगा उतना जल्दी सिलेक्शन होगा ये होना चाहिए निर्माण के लिए भी देन उसके बाद जो है राइट माइंडफुलनेस मेंटली एक्टिव रहना दैट इज नोन एज राइट माइंडफुलनेस मेंटली प्रो एक्टिव रहना ठीक है उसके बाद जो है जो राइट right कंसंट्रेशन मतलब ध्यान राइट right कंसंट्रेशन मतलब ध्यान राइट right ध्यान तो ये यू कैन टेक स्क्रीनशॉट दिस ये कहते हैं गौतम बुद्ध जो संसार में दुख पूर्ण है द लाइफ इज फुल ऑफ द रूट कॉज ऑफ इज सफरिंग सफरिंग को दूर कैसे कर सकते हैं बाय फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ दैट इज अष्टांग का मार्ग अस्टांग का मार्ग मतलब आठ मार्ग जिसमें से राइट अंडरस्टैंडिंग राइट थॉट

राइट विजन और अंडरस्टैंडिंग मतलब समदृष्टि समदृष्टि सही विजन होना चाहिए सही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ठीक है समदृष्टि देन राइट थॉट और एटीट्यूड सम संकल्प सम संकल्प जो एटीट्यूड है जो थॉट है वो सही होना चाहिए देन राइट और होल स्पीच समभाषा समभाषा जो हम जो बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए ठीक है देन राइट और इंटीग्रल एक्शन राइट एक्शन सम कम कमंता कमंता इट इंक्लूज द फाइव 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 परसेप्ट जैसे कि डू नॉट कमिट वायलेंस वायलेंस नहीं होना चाहिए डू नॉट कवर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स मतलब पहला चीज है वायलेंस नहीं होना चाहिए दूसरा है किसी प्रॉपर किसी का प्रॉपर्टी को हड़पना नहीं चाहिए डू नॉट इंक्लूड इन करप्शन प्रैक्टिस और सेंसुअल बिहेवियर करप्शन किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार का सेंसुअल चीजें सेंसुअल बिहेवियर किसी से दुर्व्यवहार कोई लड़की हो या किसी से जो है खराब बिहेवियर नहीं होना चाहिए डू नॉट स्पीक लाए झूठ नहीं बोलना चाहिए और डू नॉट यूज द इन टॉक्सिकेंट इनटॉक्सिकेंट मतलब दारू ये सब जो है नहीं होना चाहिए तो उन्होंने कहा कि राइट इंट्रीगल एक्शन जो एक्शन में है डो नॉट कमिट वायलेंस किसी के ऊपर वायलेंस नहीं होना चाहिए डो नॉट कवर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स किसी का प्रॉपर्टी संपत्ति को चोरी नहीं करना चाहिए डो नॉट इंक्लूड द करप्शन प्रैक्टिस भ्रष्टाचार में नहीं होना चाहिए और सेंसुअल बिहेवियर जैसे कि किसी को सीडियोस या सेक्सुअली अब्यूज नहीं होना चाहिए डो नॉट स्पीक लाए झूठ नहीं बोलना चाहिए और डो नॉट दारू ये सब या फिर गुटका पान मसाला ये सब नहीं होना चाहिए ठीक है ना देन इन एडिशन टू दिस मॉन्स एंड नॉन वेयर सपोज टू स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व देयर एडिशनल प्रोस्पेक्ट मतलब मॉन्स और नॉन का मतलब मॉन्ग्स मतलब मेल और नॉन्स का मतलब फीमेल टू एवॉइड इटिंग आफ्टर द मिड डे मिड डे के बाद एवॉइड करना चाहिए टू एब्सटेन फ्रॉम डांसिंग सिंगिंग म्यूजिक एंड अदर एंटरटेनमेंट तो अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए डांसिंग से सिंगिंग से म्यूजिक से एंटरटेनमेंट से टू एब्सट्रेंड फ्रॉम यूजिंग हाई लग्जरियस बेड एंड फ्रॉम हैंडलिंग गोल्ड एंड सिल्वर तो चाहे मतलब जो लग्जरियस बेड है या फिर गोल्ड सिल्वर ये सब चीजों जो चीज़ों से बचना चाहिए ठीक है ये सब बात किया गया है उसके बाद देखो राइट लाइवलीहुड मतलब प्रॉपर लिविंग सम्य अजीव अजीवाइट एफर्ट एंड एनर्जी विटालिटी देन राइट कंसल्टेशन और मेडिटेशन सम समाध सम उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमें जो है मिडिल पाथ अपनाना चाहिए मिडिल पाथ देखो मिडिल पाथ का मतलब क्या है मिडिल पाथ ये चीज़ें ध्यान रखिए देखो गौतम बुद्ध का मानना है कि हमें जो है मतलब देखो जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है बीना का एग्जाम्पल दिया है आपने कभी गिटार बजा है गिटार बिना गिटार बजा है गिटार में जो है गिटार जब बजाते हो आप वो अगर 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 उसको टाइट ज़्यादा कर दोगे तो वो टूट जाएगा और ढीला कर दोगे गिटार तो बजेगा नहीं ठीक से तो उनका क्या है वो उसको परफेक्ट पौ, शेप में अगर बांधोगे ना टाइट करोगे ना ढीला करोगे तभी जाके सुर में बजेगा तो उनका मानना है कि मिडिल मिडिल पाथ होना चाहिए एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए और ढीला भी नहीं होना चाहिए पूरी तरह से स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से ढील भी नहीं छूटना चाहिए एक जिसको मध्यम पाथ कहते हैं मध्यम पाथ मध्यम पाथ मिडिल पाथ जो है गौतम बुद्ध का मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैनिज्म की बात करूं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा जैनिज्म में दो प्रकार का जैनिस होते हैं एक है एक को हम लोग बोलते हैं दिगांबर एक को हम लोग बोलते हैं श्वेतांबर तो आप लोगों को मैं बता दूं जो दिगांबर और श्वेतांबर में जो फर्क है श्वेतांबर मतलब जो सफेद कपड़ा पहनते हैं और दिगामबर का मतलब है जो कुछ नहीं पहनते मतलब उनका मानना है न्यूडिटी इज द प्योरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ उनका मानना क्या है नग्नता न्यूडिटी इज द प्योरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ उनका मानना है हम किसी भी चीज़ अगर हम लोग पहन लेते हैं तो हम लोग का जो है माइंड में कुछ ना कुछ रह जाता है इसलिए न्यूडिटी इज द प्योरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ ये कि कौन मानता है दिगांबर. वो ना खाना पीना सोना कुछ नहीं होता उनके लिए सब कुछ परित्याग किए होते हैं तो उनका जो है न्यूड्रिटी द प्योरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ मतलब खाना पीना सोना सब कुछ जो है परित्याग कर चुके हैं वो एक अलग लेवल पे अलग लेवल पे अलग लेवल पे जो है वो जीते हैं मतलब नाम इंसान की तरह नहीं फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं अगर कोई रास्ते में जा रहा है कोई दिगंबर ठीक है दिगंबर और उनका एक्सीडेंट हो जाता है नॉर्मल लोग क्या करेगा कोई फोर व्हीलर में फटाफट -फड़ से जाके हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएगा बट वो ऐसे नहीं करते हैं वो किसी भी जान में गाड़ी हो मटर हो बस हो ट्रेन हो फ्लाइट हो वो बैठते नहीं है पहला चीज़ है कोई हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं होता है वो पढ़ाई मतलब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं जाते हैं कंप्लीट नेकेड के लाइफ में जीते हैं समझ लो चीजें तो वो उनका वहां पर डेथ हो जाना वो पसंद करेंगे लेकिन कहीं पर कहीं बैठ के वो जाएंगे नहीं इतना वो स्ट्रिक्ट है तो एक तरफ से कहने का मतलब है गौतम बुद्ध जो है मीडियम पाथ मतलब ना एक्सट्रीम पे वो सपोर्ट करते थे ना वो जो है ढील छोड़ना पसंद करते थे अब हिंदुइज्म में देखिए पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है आप मंडे सोमवार के दिन शिवजी सिब, का पूजा करिए मंगलवार के दिन हन बजरंग बली या माता दी का पूजा करिए थर्सडे के दिन में जो है ब, 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 लक्ष्मी माता का पूजा करिए शनिवार के दिन में शनि माता का देव का पूजा करिए देव का पूजा करिए देव का पूजा करिए तो किसी भी किस मतलब सुबह शाम ऐसा कोई फिक्स नहीं है मतलब थोड़ा सा मतलब यू कैन से डील है तो ना वो मतलब जैनिज्म की तरह स्ट्रिक्ट होना चाहते थे ना हिंदुज्म की तरह ढील होना चाहते थे एक मध्यम पाथ मीडियम पाथ चाहते थे उनका मानना था कि बिना को जिस प्रकार से हम मीडियम वे में करते हैं तो सुर में बसता है जिंदगी को भी उन्होंने मीडियम स्तर में में करते हैं तो अच्छा सुर जिंदगी जो है चलता है उनका मानना यह था दैट्स द पाथ टॉट बाय बुद्ध इज ऑप्शन रिफर्ड टू एज द मिडिल पाथ द वन बिटवीन एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए और ये लूज भी नहीं होना चाहिए उसका मतलब ये है अब देखो रीजन फॉर स्प्रेड एंड पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म ठीक है रीजन फॉर स्प्रेड एंड पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म ठीक है अब देखो बुद्धिज्म जो है इतना फेमस हुआ बुद्धिज्म जो है वर्ल्ड में इतना फेमस हुआ उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ऐसा तो नहीं है कि मतलब बुद्धिज्म जो है रातों रात जो है फेमस हो गया कुछ तो रीजन होगा तो रीजन नाउ विल डिस्कस द रीजन फॉर स्प्रेड एंड पॉपुलरिटी ऑफ द बुद्धिज्म की किस कारण की वजह से बुद्धिज्म जो है इतना पॉपुलर हुआ पहला चीज देखो बुद्धिज्म लेफ्ट एंड अवॉइडिंग मार्क्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट ग्रेजुअली बिकम पॉपुलर इन मगध एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्री स्टार्टिंग में क्या है मगध में मगध मतलब जो बिहार का एरियाज है आज के डेट में उस एरिया में सबसे ज्यादा फेमस हुआ बाद में ऑल ओवर कंट्री में फेमस हुआ ठीक है एंड विदोर्ट ऑफ एम्पर अशोका ध्यान रखना Emperor उसोका. Emperor उसोका, उसोका के बारे में बता दू अशोक द ग्रेट कहा जाता है अशोका द ग्रेट क्यों कहा जाता है क्योंकि जितने भी सम्राट हुए थे जितने भी राजा महाराज हुए हैं सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाले जो है अशोका है अशोका के टाइम पे कांधार बालूचिस्तान ठीक है अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब मैक्सिमम एरिया वाज बाय अशोका सबसे ज्यादा एरिया जो है अशोका के टाइम पे वाज द ग्रेटेस्ट एम्पायर तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विद द सपोर्ट ऑफ़ एम्पायर अशोका इट फर्दर स्प्रेड विद विंग्स टू द सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया एंड श्रीलंका एंड ग्रेजुअली ट्रांसफर इन द वर्ल्ड रिजन वेरियस रीजन आर एंट्रीब्यूटेड टू इट स्प्रेड तो अशोका के सपोर्ट में सपोर्ट में ये जो है मध्य एशिया में सेंट्रल एशिया में वेस्ट एशिया में श्रीलंका में भी ट्रांसफर हुआ था ठीक है ध्यान रखना तो सम्राट अशोक के समर्थन से इसने अपने फंग मध्य एशिया पश्चिम एशिया और श्रीलंका तक फैलाए और धीरे धीरे एक विश्व धर्म में परिवर्तन हो गया उस इसके प्रकार के लिए विभिन्न कारणों के जिम्मेदार है तो इस इसके जो वेरियस रीजन टू एट्रीब्यूट इट्स तो ये जो है सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया श्रीलंका में जाने का बहुत सारे रीजन है आइए उस सब रीजन को बात करते हैं पहला चीज है देखो बुद्धिज्म अपील टू द कॉमन मैन ये सबसे अनलाइक द ब्राह्मणिज्म जो है सबसे बढ़िया चीज है मेरी आवाज आ रही है ऑल क्लियर एक बार लिख दीजिए मेरी आवाज आ रही है तो ऑल क्लियर एक बार लिख दो बच्चों पहले ऑल क्लियर एक बार लिख दो ठीक है इतना लंबा टाइम तक पढ़ाने में थोड़ा बहुत ना बैठ के भी पढ़ाना पड़ता तो ऑल क्लियर एक बार लिख दें ताकि मैं समझ जाऊं कि आवाज़ जो है क्लियर है बेटा एक बार जो ऑल क्लियर लिख दें उसके बाद मैं करता हूँ चलिए थैंक यू आ, अर्चिता शर्मा आई एस गोल वेरी गुड बहुत अच्छा अर्चिता इज रेगुलर इन द क्लासेस ठीक है चलिए बहुत अच्छा हाँ ठीक है बेटा चलो हाँ तो तो यहाँ पर सवाल उठ रहा था कि रीजन ऑफ फॉर स्प्रेड अप एंड पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म मतलब बुद्धिज्म वर्ल्ड में इतना पॉपुलर और इतना जा, जगह पे क्यों स्प्रेड हुआ था वाट वाट द रीजन जो कि वेस्ट एशिया श्रीलंका सेंट्रल एशिया में भी स्प्रेड हुआ था उसका सबसे बड़ा रीजन है बुद्धिज्म अपील टू द कॉमन मैन कॉमन मैन मतलब आम इंसान को जैसे कि ब्राह्मणिज्म में क्या होता था यहां पर कास्ट सिस्टम वाज़ दियर अपर कास्ट मिडिल तो और बुद्धिज्म दोनों में ऐसा नहीं था कास्ट सिस्टम वाज़ नॉट दियर जो कि नॉर्मल लोगों को ज्यादा ऑफिलिंग और ज्यादा अच्छा लगता था एंड इट वॉज फॉर मोर लिबरल एंड डेमोक्रेटिक सिंस इट अट्रैक्ट द वर्नर सिस्टम मतलब यहां पर किसी भी प्रकार का वर्ण सिस्टम नहीं था वर्ण सिस्टम नहीं था ठीक है इसलिए ये जो है लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक था डेमोक्रेटिक था तो लोगों और उदार था अधिक उदार और लोकतांत्रिक था लिबरल एंड डेमोक्रेटिक था लोग उसको पसंद कर रहे थे क्योंकि यहां पर अपर क्लास या लोअर क्लास वाला सिस्टम नहीं था इक्वालिटी था ठीक है सब लोग जो है बराबर थे सब लोगों को सेम रिस्पेक्ट मिलता था पहला चीज है ठीक है देन इट वॉज ओपन टू द दीपुल ऑफ ऑल कास्ट और इवन उमेन वेर एडमिटेड टू द संघ तो ये जो है सभी धर्म सभी कास्ट के लिए इवन महिलाओं के लिए भी संघ जो है उनका जो संघ था वहां पर मॉन्क्स भी आ सकते थे और नॉन भी आ सकते थे मतलब उमेन वेर आल्सो एडमिटेड महिलाओं को भी जो है समर्थन मिलता था ठीक है दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज नाइदर गिवेन सेक्रेड थ्रेड नॉर was अलाउड टू टू रीड वेदर्स सो कन्वर्सेशन टू buddhism फ्रीड फ्रॉम मार्क्स ऑफ inferiority ठीक है दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉज ना इधर गिवेन सेक्रेट थ्रेड नॉर वॉज अलाउड टू रीड वेदर्स मतलब ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं किया जाता था इसलिए बुद्धिज्म में जो है कोई इन्फरिटी या कोई जो है सुपरिटी का फीलिंग नहीं होता था सबको बराबर का फीलिंग होता था ये सबसे बड़ा रीजन कहा गया है उसके बाद अगर देखेंगे तो बुद्ध बुद्ध पर्सनालिटी एंड हिज रेशनल डॉक्ट्रिनेंस हेल्प हिमज देखो बुद, गौतम बुद्ध का जो फेमस होने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था कि गौतम बुद्ध जी का पर्सनालिटी जो है करिस्मेटिक पर्सनालिटी चार्मिंग पर्सनालिटी बहुत बेनिवोलेंट पर्सन थे बहुत अच्छे इंसान थे तो लोग उनको देख के ही मंत्र मुग्ध हो जाते कुछ लोग नहीं होता है कुछ लोग होते हैं ना जो जो बोलते हैं मधुरभाषी होते हैं दिखने में बहुत सुंदर होते हैं सम्य होते हैं तो लोग ऐसे ही खींचे चले आते हैं अब देखो संदीप महेश्वरी है जो मोटिवेशनल uh, स्पीकर है वो दिखने में बहुत अच्छा दिखता है अच्छा भी बोलता है तो इसीलिए लोग जो है खींचे चले आते हैं राइट सो लाइक दिस द बुद्ध पर्सनालिटी गौतम बुद्ध का जो पर्सनालिटी था वो भी एक फैक्टर था पॉपुलर होने में ठीक है एंड ही ट्राई टू विन ओवर द ओपोनेंट बाई हिज विट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड बाय द पॉइज एंड काम डिफी मतलब जिस मतलब धोनी धोनी का एग्जाम्पल देखिए डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को काम रखना अच्छे से रखना इस प्रकार से गौतम बुद्ध भी डिफिकल्ट सिचुएशन पे भी हमें अपने आप को शांत बनाए रखते थे जिससे विरोधी भी उनका सपोर्ट करते थे दिस इज वन ऑफ द रीजन यूं सिंपल कहें तो गौतम बुद्ध जी का जो वर्सिटाइल पर्सनलिटी है जो चेरिसमेटिक पर्सनैलिटी है जो ग्रेट पर्सनैलिटी है वन ऑफ द रीजन ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ मतलब बुद्धिज्म उसके बाद जो है अनलाइक ब्राह्मणिज्म संस्कृत एनहेंस एसेसिबल ओनली टू ए फ्री ब्राह्मण ब्राह्मणवाद के विपरीत जिसके ग्रंथ संस्कृत में थे और इसलिए केवल कुछ ब्राह्मणों के लिए ही सुलभ थे मतलब जो जो जैसे कि ब्राह्मण बाद में क्या होता था ब्राह्मणिज्म में क्या होता था जो टेस्ट वगैरह थे वो संस्कृत में थे और मैंने बताया था संस्कृत लैंग्वेज और पाली लैंग्वेज पाली लैंग्वेज पाली लैंग्वेज इज द कॉमन पीपल पाली जो लैंग्वेज है कॉमन लोगों के लिए संस्कृत जो लैंग्वेज है इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए है ठीक है तो ब्राह्मण बाद में क्या है संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था जिससे जो है केवल जो है जो ब्राह्मण थे वो पढ़ पाते थे जो इंटेलेक्चुअल थे थे वो पढ़ पाते बट जो जो ये बुद्ध बुद्ध टेक्स्ट है पाली लैंग्वेज था दैट इज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन व्हिच फर्दर एडेड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इसकी वजह से लोगों को ज्यादा अपीलिंग लगने लगा और लोगों को ज्यादा बेहतर लगने लगा ठीक है जिसकी वजह से दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर रीजन ऑफ पॉपुलरिटी ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए द पेट्रोनाइजेशन बाय मोनार्च ऑफ मगध कोसला कोसंबी एंड सेवरल अदर गण संघ एंड देर पीपुल कंट्रीब्यूटेड टू इट फर्दर पॉपुलरिटी देखो मगध कौशल कौशंबी और कई गण संघ ने उनके समर्थन में आए थे लोगों ने राजतंत्र द्वारा संरक्षित और उसकी और लोकप्रियता को योगदान देते हैं सिंपल सी बात है जो जो मगध के राजा कौशल के राजा कौशंबी एंड अदर गण गण संघ ये सब ने पूरी तरह से बुद्ध मतलब बो मतलब बौद्ध धर्म को अपनाया था ये भी एक कारण था इतना पॉपुलरिटी होने का ठीक है और सिंस द बुद्धिस्ट द प्रॉब्लम्स दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ठीक है जो हम लोगों का जो सोशल प्रॉब्लम है या फिर जो इकोनॉमिक जो सामाजिक एवं आर्थिक असमान मतलब जो डिफ्रेंशियट है असमानता जो डिफरेंशियट है डिस्पैरिटीज है सोशल एंड इकोनॉमिक उसको जो है पूरी तरह से सही करने की कोशिश की एंड अराइजिंग फ्रॉम द न्यू मेटेरियल वर्ल्ड ऑफ द सिक्स सेंचुरी बी सी द प्रेजेंटेड इनोवेटिव सोल्यूशन टू दोन बुद्धिज्म आर्स पीपल नॉट टू अकोनेटेड वेल्थ इंक्लूडिंग द कड और वायलेंस मतलब गौतम बुद्ध का फिलोसफी ये नहीं था कि संपत्ति ज्यादा कमाओ ज्यादा वायलेंस करो वो हमेशा कहते थे कि संपत्ति उतना कमाओ जितना जरूरत है ज्यादा करने की जरूरत नहीं है और आराम से रहिए पीसफुली रहिए तो ये चीजें भी जो है लोगों को ज्यादा ऑपिलिंग लगा ज्यादा अच्छा लगा ठीक है अब हम लोग बात करते हैं रीजन ऑफ फॉर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म ये सब मेंस में आ सकता है बेटा देखो ये पहला एक चीज फिर से मैं रिवीजन कर देता हूं, में, में को बता देता हूं आप लोगों को ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है रीजन 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 फॉर द स्प्रेड ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म बुद्धिज्म जो है वर्ल्ड भर में पॉपुलर होने का या इंडिया में पॉपुलर होने का रीजन क्या है ठीक है पहला रीजन क्या है पहला रीजन है कि मतलब बुद्धिज़्म जो है कमन लोगों को अपील करता था क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी था लिबरल था डेमोक्रेटिक था मतलब उदार थे लोकतांत्रिक थे और ब्राह्मणवाद के विरोध में एक तरफ से ये जो है मतलब सिंपल था जो लोगों को आकर्षित किया था राइट और यहाँ पर महिलाओं को भी मतलब वेलकम था सभी कास्ट सभी सभी जात जाति के लोगों का वेलकम था और यहां पर कोई हायर या कोई लोअर नहीं था पहला रीजन ये था जो लोगों को अच्छा लगा था दूसरा रीजन क्या था गौतम बुद्ध का जो पॉपुलर पर्सनैलिटी है जो उनका जो व्यक्तित्व है बहुत शानदार था लोगों को अट्रैक्ट करता था ये भी एक रीजन है और उसके बाद क्या है जो पाली लैंग्वेज का जो इस्तेमाल पाली लैंग्वेज द कमर और संस्कृत लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल पाली जो है लोगों को अपीलिंग लगने लगा ये भी एक कारण था उसके बाद जो है यहां पर जो है पेट्रोनाइज बाय ग्रेट रूलर लाइक मगध के रूलर कौशल के रूलर कौशंबी के रूलर उसके साथ साथ दूसरे अन्य गणसंघों गणसंघ के रूलर जो है सपोर्ट किए थे उसके बाद जो है मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो सोशल और इकोनॉमिक इंबैलेंस था उसको दूर करने की कोशिश उसके साथ साथ वेल्थ कम कमाएं वायलेंस ना करें ये सब चीजें लोगों को अपीलिंग लगने लगी एंड दैट देट द रीजन ऑफ स्प्रेड ऑफ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है ना ठीक है चलिए देन नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद देखो रीजन फॉर रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म और बुद्धिज्म का डिक्लाइन होने का कारण क्या था व्हाट आर द रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग में देखो पहला चीज है इट इज रेदर Ironical that every 12th century Buddhism began to disappear from the land of its birth, various reason are responsible. ठीक है ये मतलब बहुत ही मतलब एक तरफ से विडम्बना है मतलब उल्टा हो गया जहां पर बुद्धिज्म का इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ था वहां से ही बुद्धिज्म बहुत डिक्लाइन होगा आज के डेट में मैं बता दूं पॉपुलेशन के हिसाब से लास्ट क्लास में बताया था हिंदुइज्म जो है हिंदू देखो भारत में छह धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिज्म जैनिज्म तो आज के डेट में हिंदू धर्म जो है अराउंड एटी परसेंट है इस्लाम धर्म जो है अराउंड फोर्टीन पॉइंट टू है उसके बाद जो है सिख सिख और क्रिश्चियन दोनों मिला के चार है और बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों मिला के जो है दोनों मिला के बेटा एक परसेंट है उसमें से बुद्धिज्म जो है जीरो पॉइंट सेवन परसेंट है और जैनिज्म जीरो पॉइंट थ्री परसेंट है ये है बुद्धिज्म है और ये है जैनिज्म है जैनिज्म है उसके साथ साथ मैं लिख देता हूं आप लोगों को काम में आएगा हिंदू जो है हिंदू जो है अराउंड एटी परसेंट है मुस्लिम्स जो है अराउंड फोर्टीन पॉइंट टू परसेंट है और सिख क्रिस्टियन क्रिस्टियन और सिख दोनों मिला के जो है चार परसेंट है दोनों मिला के चार परसेंट है ठीक है हिंदू एटी परसेंट उसके बाद मुस्लिम 14 परसेंट क्रिस्टियन और सिख मिला के चार परसेंट बुद्धिज्म और जैनिज्म मिला के एक परसेंट जिसमें से बुद्धिज्म 0.3 और सिख जो जैनिज्म जो है 0.3 पॉइंट थ्री परसेंट है नो है क्रिस्टियन टू पॉइंट थ्री है और सिख जो है क्रिस्टियन है क्रिश्चियन थ्री सिख जो है दोनों मिला के चार ठीक है तो ये जहां से बुद्धिज्म शुरुआत हुआ वहा था वहां पर एंड हो गया देखो क्या रीजन था बुद्धिज्म ठीक है टू द सेम रिचुअल्स एंड डॉगमास विच इट हैड ओरिजिनली डिनाउंसड इनिशियली पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद में समझाता हूं इनिशियली इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म इट ग्रेजुअली बिकम विक्टीम ऑफ द सेम इविल ऑफ द ब्राह्मनिज्म विच इट हैड अर्लियर फॉट The Buddhist monk gave up Pali, the language of the people, and took Sanskrit, the language of the few intellectual देखो ध्यान से देखो तो सबसे बड़ा reason है कि मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म होने का सबसे बड़ा reason है कि ब्राह्मणिज्म में क्या था कि dominations of the brahmin था वहां पर क्या था inequality था वहां पर क्या था, था।, था? कास्ट सिस्टम varna सिस्टम थे ब्राह्मीण सुपीरियर थे उसके बाद क्षत्रिय वैश्य धन शुद्र तो यही चीज था और ये चीजें और वहां पर क्या था सुपरस्टिशियस एंड डॉगमास था यहां पर भी वो चीजें होने लगा यहां पर भी थोड़ा सा इक्वालिटी होने लगा यहाँ पर भी सुपरशीशियस और डगमास होने लगा उसके साथ एक और खासियत था बुद्धिज्म का कि ये लोग इनिशियल स्टेज में पाली लैंग्वेज का कर इस्तेमाल करते थे जो कि लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल ये संस्कृत लैंग्वेज जानबूझकर इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल बट बाद में उन्होंने क्या किया कि संस्कृत को अपनाया और पाली को उन्होंने छोड़ दिया क्या किया संस्कृत को अपनाया और पाली जो कमल लैंग्वेज है उसको छोड़ दिया तो उसको छोड़ने के बाद फिर लोगों को ज्यादा ओपीलिंग नहीं लगने लगी ठीक है तो जो गलतियां ब्राह्मणिज्म जो गलतियां जो है ब्राह्मण बाद ने किया था वही गलती बुद्धिज्म ने भी अपनाया था बाद में दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन की जो है बुद्धिज्म का थोड़ा सा पतन होने लगा उसके बाद देखो लेटर फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी सी दे ऑल्सो प्रैक्टिस लास्ट स्केल ऑफ आइडियल वर्शिप मूर्ति पूजा इनिशियल स्टेज में तो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे थे हिंदन वाले बट बाद में जब मूर्ति पूजा करने लगे महायान वाले यहां पर भी गिफ्ट मिलने लगा यहां पर भी रिकॉग्निशन मिलने लगा यहां पर भी पूजा पाठ होने लगी तो यहां पर भी करप्शन स्टार्ट हो गया सो लेटर फर्स्ट सेंचुरी बीसी दे प्रैक्टिस द लास्ट स्केल ऑफ आइडियल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा ठीक है एंडिव न्यूमरियर से मतलब पूजा होने की वजह से भक्तों से क्या है प्रसाद प्राप्त किए गए धन प्राप्त किए गए जिसमें करप्शन और बढ़ गया मंदिर में मतलब बुद्धिस्ट में द रिजल्ट इन करप्शन ऑफ द एशिएटिक लाइफ एसेटिक लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्ग

आप देखो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो विक्रमाशिला और उसके बाद जो है नालंदा। नालंदा तो फेमस यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो एंड नालंदा, राइट उसके बाद यहां पर ठीक है पहला है नालंदा पहला क्या है ये है नालंदा और नालंदा बाडागांव बिहार में और ये जो है फाउंडर कौन है कुमार गुप्ता इज द फाउंडर दैट इज फ्रॉम द गुप्ता इज फ्रॉम द कुमार गुप्ता सबसे इंपॉर्टेंट चीज किए थे नालंदा और नालंदा जो है प्राचीन भारत का सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज है प्राचीन भारत का सबसे फेमस जो है नालंदा है सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज है उसके बाद देखो ओदंतपुरी है ओदंतपुरी और ये भी कहाँ है बेटा ओदंतपुरी भी बिहार में है और ये उसके फाउंडर है गोपाल कौन से हैं वो है पालर रूलर पालर रूलर ठीक है उसके बाद जो है विक्रमाशिला और ये भी है बिहार में और ये है धर्मपाला और ये भी जो है पालर रूलर है पालर रूलर है उसके बाद क्या है बेटा सोमपुरी सोमपुरी ये कहां पे है बंगाल में है और ये भी धर्मपाला और ये भी जो है पालर रूलर है उसके बाद देखो जगदल जगदल ये भी बंगाल में है जगदल और ये जो है राम रामपाला दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द पाला, पाला रूलर उसके बाद जो है बल्लवी उसके बाद क्या है बल्लवी है बल्लवी और ये जो है गुजरात से हैं और ये जो है भटर भट्टर का दैट इज द मैत्रक रूलर मैत्रक रूलर ठीक है मैत्रक रूलर ठीक है तो ये सब आप देख सकते हो नालंदा दपुरी विक्रमाशिला शोमपुरी, जगदल और बल्लवी नालंदा है बिहार में उदंतपुरी है बिहार में और विक्रमाशिला है बिहार में बंगाल से है शोमपुरी, जगदल और गुजरात से है बल्लभी और ये कह सकते हो कि कुमार गुप्ता जो है फाउंडर ऑफ नालंदा जो कि बिहार में है गोपाल जो है फाउंडर ऑफ जो है ओदंतपुरी जो कि बिहार में है और धर्म पाला फ्रॉम दाल रूलर विक्रमाशिला के फाउंडर है वो भी बिहार में है ठीक है उसके बाद जो है धर्म और एक भी बेंगोल बेंगल से है सोमपुरी मतलब सोमपुरी का भी फाउंडर है उसके बाद रामा पाला जो पाला रूलर थे जगदल के फाउंडर हैं उसके बाद जो है भटरका दैट इज मैत्र रूलर गुजरात से हैं वो है बल्लभी के

अश्व घोषा कौन ऑफ द बुद्ध इन कौन है ऑथर ऑफ द बुद्ध चरित इन संस्कृत एंड स्कॉलर ऑफ डिबेटर ठीक है ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट यू कैन से पोएट ड्रामाटिस्ट म्यूजिशियन स्कॉलर एंड डिबेटर नाम क्या है अश्व घोषा ऑफ बुद्ध बुद्ध चरिता जो कि संस्कृत में है ठीक है उसके बाद देखिए नागार्जुन उसके बाद जो है नागार्जुन और ही टू बी द फाउंडर ऑफ द मध्यमिक स्कूल ऑफ मोहयन बुद्धिज्म ही द ध्यान रखना ही द फाउंडर ऑफ द मध्यम का स्कूल ऑफ मोहान बुद्धिज्म एंड ही वॉज ए फ्रेंड एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ सत्भावना किंग गौतमी पुत्र ऑफ आंद्रा ठीक है सतवावना किंग गौतमी पुत्र ऑफ आंध्रा का यू कैन से कंटेम्प्री मतलब फ्रेंड एंड कंटेम्प्रे ऑफ ठीक है उसके बाद जो है असंग एंड वसुबंधु उसके बाद जो है असंग एंड वसुबंधु जो कि टू ब्रदर्स थे हु पंजाब रीजन कहां पे पंजाब रीजन पे एंड इन द फोर्थ सेंचुरी सी असंग मोस्ट इंपोर्टेंट टीचर ऑफ द योगाचारा

अभिधम्म पिटाका भी है त्रिपिटिका में से अभिधम्म पिटका विनय पिटका सुत्त पिटका है ना अभिधम्म धम् कोश इज द स्टिल कंसिडर टू द इम्पोर्टेंट एन एनसाइक्लोपीडिया बुद्धिज्म ठीक है ना उसके बाद देखो उसके बाद देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल ये चीजें याद रखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ पर हुआ था ध्यान से देखिए अभी बुद्धिस्ट काउंसिल में देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 483 एटी में हुआ था कहाँ पे राजक गृह में हुआ था राजगृह जो है दट इज इन बिहार दट इज इन बिहार और रूलर कौन थे अजात शत्रु थे और महाकसप्पा महाकसप्पा ठीक है महाकसप्पा ठीक है तो यहाँ पर जो है यू कैन से बिना पिटाका और सुत्त पिटाका ठीक है हुआ था बस इतना याद रखिए बिना पिटाका और सुत्त पिटाका फर्स्ट फर्स्ट जो है फोर एटी थ्री बी सी अजात शत्रु और महाकसपा उसके बाद जो है सेकेंड जो हुआ था सेकेंड थ्री थ्री एटी थ्री बी सी वैशाली वैशाली इज ऑल्सो इन बिहार वैशाली इज ऑल्सो इन बिहार रूलर जो है काला सु और सुबह कामे सुबह कामे रूलर जो है काला सिका और सुबह कामे ठीक है सुबह कामे ठीक है एंड द ग्रुप वेड कॉल द एल्डर्स थेरा इन पाली उसके बाद देखो देखो उसके बाद जो है थर्ड थर्ड जो हुआ था 250 बीसी में

फोर्थ काउंसिल जो है फर्स्ट सेंचुरी बीसी में हुआ था कहां पे कश्मीर में और रूलर जो है कनिष्क है और बसुमित्रा ठीक है उसके बाद जो है प्रेसिडेंट जो है बसुमित्रा बसुमित्रा ठीक है तो ये था बुद्धिस्ट के बारे में ठीक है गाइस तो ये था टोटल गौतम मतलब सॉरी बुद्धिज्म के बारे में चलिए तो गाय देख तो बुद्धिज्म जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है ठीक है तो आज रात भी काफी हो गया है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हम क्या करेंगे अगला जो क्वेश्चन अगला जो टॉपिक है कल का जो टॉपिक है जैनिज्म है जैनिज्म है तो जैनिज्म का टॉपिक जब खत्म करूंगा तब बुद्धिज्म और जैनिज्म का एमसीक्यू को एक साथ में डिस्कस करूंगा ठीक है बुद्धिज्म का एमसीक्यू छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो क्वेश्चन है मैं एक साथ डिस्कस करूँ उसका रीज़न भी है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो एम जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं ना दोनों को रिलेट करके आए बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को रिलेट करके आए ध्यान रखना ज़्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म को रिलेट करके आए तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप बुद्धिज़्म को भी जान लो उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर सेशन करो तो अगले अगले क्लास में तैयार रहना टॉपिक तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है बट अगले क्लास में जैनिज्म को भी कंप्लीट करूंगा और बुद्धिज्म जैनिज्म कंप्लीट होने के बाद बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों का एमसीक्यूज में एक साथ करूंगा और मेंस का क्वेश्चन भी एक साथ दूंगा जैसे कि यहां पर ज्यादातर बुद्धिज्म और बुद्धिज्म और जैनिज्म एक साथ हुआ था पतन भी एक साथ हुआ दोनों में यहाँ पर जैसे कि गौतम बुद्ध हैं वहाँ पर महावीर जैन होंगे दोनों काफी कुछ सिमिलरिटी है मैं बताऊंगा ये ये जैसे कि गौतम बुद्ध जी यहाँ पर शादी करके उनका एक बेटा हुआ था वहां पर महावीर जैन भी शादी करके उनका एक बेटी प्रिय दर्शना हुआ था वो भी घर छोड़ के वो भी राजा का बेटा है घर छोड़ के जैनिज्म का स्थापना हुआ था और ये घर छोड़ के जो बुद्धिज्म का स्थापना किए थे तो दोनों में काफी कुछ सिमिलरिटी है ठीक है तो ध्यान रखना बच्चों अगर एडमिशन अभी करते हो तो मेरा जो कोड है ठीक है मेरा जो कोड है ध्यान रखिएगा मेरा जो कोड है ठीक है मेरा नाम भी ब्योम केश है तो मेरा जो कोड है इस कोड में आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोड में आप ज्वाइन कर सकते हो और किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए आप जो है टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो मेरा जो टेलीग्राम चैनल का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं जीएस जीएस बाय व्योमकेश मेहर व्योमकेश् मेहर ठीक है जो टेलीग्राम चैनल है जीएस बाय बायमकेस मेहर में जुड़ जाइए वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा क्या मिल जाएगा आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा जीएस बाय मेहर में पीडीएफ मिल जाएगा और यूपीएससी में बहुत सारे दिक्कतें आते हैं देखो एक चीज एक चीज में बता यहां तक देख रहे हो तो एक चीज में आप लोगों को लेके जाइए मेरे साथ कि यूपीएससी में बहुत सारे दिक्कतें आए कि कौन सा ऑप्शनल लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लें पोलिटिकल्स पी एस आई आर लें जोग्राफी लें हिस्ट्री लें इकोनॉमिक्स क्या अपना जो बैकग्राउंड है उसको लें या लिमिटेड सिलेबस है उसको लें या अच्छा कोचिंग या अच्छा फैकल्टी है उनको लें या फिर मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे दोस्त ने लिया है इसीलिए लें तो क्या रीजन होना चाहिए या ज़्यादा स्कोर होगा उसकी वजह से लें उसके साथ साथ मेन्स और प्रिलिम्स को किस तरह तैयारी करें क्या एक साथ तैयारी करें क्या अलग अलग तैयारी करें उसके साथ जो है कन्फ्यूज़न होती है कि मेन्स का आंसर प्रैक्टिस कैसे करें किस तरह से लिखे आंसर प्रैक्टिस और कौन जो है आपको गाइड करेगा कहीं आप लिख के अपने दोस्तों को या खुद से तो इवेलुएट नहीं कर रहे हो खुद से इवालुएट हो और अपना तारीफ हो अरे क्या मैंने आंसर लिखा है कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है फिर अगर अगर आंसर राइटिंग कौन चेक करेगा कि कहाँ से लिखो आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा तो किस प्रकार से डेवलप करोगे फिर 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 क्वेश्चन आता है कि प्रिलीम्स कैसे तैयारी करें कौन सा किताबें पढ़ें अभी जो लोग दो में दे रहे हो तो इतना कम टाइम में कौन सा चीज़ें पढ़ें कौन सा चीज़ें छोड़ें किस प्रकार से प्रिलीम को अटैम्प्ट करें तो बहुत सारा कन्फ्यूजन बच्चों के मन में होना स्वाभाविक बिग चीज़ है और एक चीज़ होती है एग्जाम जैसे जैसे पास होता है वैसे वैसे नर्वसनेस डिप्रेशन मतलब टेंशन ये सब दिमाग में बढ़ती रहती है तो उस चीज को कैसे हम हैंडल करें और आगे बढ़ें माइंड को कंसंट्रेट करें और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन लड़कियों का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है लड़कों का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है इंस्टा का फेसबुक का यूट्यूब का हर प्रकार का डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें और कैसे अपने आप को कंसनट्रेट करके पढ़ें सो so, किसी भी प्रकार और किसी भी प्रकार का चीज़ में कंफ्यूज हो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकनॉमिक्स में आप मुझसे जुड़ सकते हो ठीक है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ध्यान रखना अभी आप लोग टाइप कर लीजिए टेलीग्राम चैनल जी एस बायोम किस मेहर में वहां पर जुड़ जाइए वहां पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हो और एडमिशन अगर लेना हो आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनल लेवल पे मेंटर करूं गाइड करूं आपको प्रॉपरली कि आपका सिलेक्शन तक जाऊं तो मेरा जो कोड है व्योम बी वाई ओ एम उसमें एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा एजुकेटर कोड में आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज भी मिल जाएगा उसके साथ साथ आपका एडमिशन भी हो जाएगा ठीक है आंसर कोई, कोई तो देने की कोशिश करता हूं कोई अगर आपके दिमाग में यहां तक अगर देख रहे हो कोई आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछिए मैं आपको अभी आंसर देने के लिए तैयार हूं दस पंद्रह मिनट जो है आप लोगों के लिए है बताइए चलिए टॉपिक खत्म हो गया है टॉपिक खत्म हो गया आज का टॉपिक खत्म हो गया फिर भी आपके मन में कोई डाउट है कोई क्वेरीज है टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो सकता है आने वाला प्रीलिम्स है प्रीलिम्स से रिलेटेड हो सकता है मेन से किसी भी प्रकार का तो आप क्वेश्चन मुझे पुट अप करिए मैं आपको आंसर देता हूं पूछिए आराम से कृष्ण कुमार लिख रहे हैं नो डाउट सर ऑल क्लियर वेरी गुड यस yes. सर कोई नहीं ब्रेक ले लीजिए थोड़ा हम सब पे भी ध्यान दीजिए पढ़ाई के लिए और आपसे स्वास्थ्य के भी अच्छा राखी झा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए चलिए फिटनेस सर प्री से पहले हिस्ट्री कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी फ्री से पहले हिस्ट्री कंप्लीट रिविजन बिल्कुल करूंगा बेटा मॉडर्न हिस्ट्री का मैं मेडिवल देखो एंशियंट हिस्ट्री तो टॉपिक वाइज मैं कर रहा हूँ उसके साथ साथ मेडिवल हिस्ट्री का एक मैराथन लेके आऊंगा और मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक मैराथन लेके आऊंगा तब तक बने रहना ठीक है तीन चार दिन में मॉडर्न हिस्ट्री का लाऊंगा उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री का लाऊंगा ठीक है बने रहिएगा ठीक है थैंक यू थैंक यू राखी जी रोहित माने सर अड्डा ये तो अनकेडमी अभी स्टूडेंट है रोहित माने सर अड्डा टू फोर सेवन बैच का क्लास कब स्टार्ट होगा अड्डा टू फोर सेवन बैच का क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगा विद इन ए वीक एक हफ्ते के अंदर बेटा मतलब रो, रोहित माने स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि रोहित माने इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये बी एम लाइव कोड मेरा कोड में अनएकेडेमी में भी ज्वाइन किया है और जो जो बच्चा हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ जो अनकेडेमी प्लेटफॉर्म में मेरे नाम पे ज्वाइन किए थे बी एम लाइव कोड में जैसे कि उसमें से अभी है ये रोहित माने मुझे याद आ रहा है मेरे नाम पे जो ज्वाइन किए थे अनएकेडेमी में उनको यहाँ पर फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा वहां पर अगर एक साल का लिए तो यहाँ एक साल मिलेगा वहाँ दो साल है तो यहाँ दो साल वहाँ तीन साल है तो यहाँ तीन साल बट प्रोवाइडेड जितना दिन बचा है उतना दिन के लिए मान लीजिए कि एक साल का आपने लिया हुआ है बट छः महीना आप पढ़ चुके हो तो आपका बचा कितना छः महीना बचा है तो छः महीना का यहाँ पर मिलेगा जितना दिन बचा है आपका सब्सक्रिप्शन उतना दिन का यहाँ पर भी फ्री मिलेगा ठीक है मतलब वहाँ भी देखिए यहाँ भी देखिए दोनों जगह ऐसा करिए ठीक है ऑफलाइन सेंटर है क्या अड्डा आई का अड्डा आई का ऑफलाइन सेंटर नहीं है बेटा ऑनलाइन ही है फुल कुमारी ऑल क्लियर सर आपके पढ़ाने के बाद कोई डाउट नहीं रहता थैंक यू सो मच फुल कुमारी हाँ गणेश वैद्य का सवाल है कि सर यूपीएससी के साथ साथ, साथ स्टेट पीसीएस निकल सकता है क्या प्लीज योर ओपिनियन अरे गणेश वैद्य बिल्कुल निकल सकता है यार देखो स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे यूपीएससी कभी नहीं निकलेगा यूपीएससी का तैयारी करेंगे स्टेट पीसीएस हंड्रेड परसेंट निकलेगा उसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है एक हफ्ता पहले उस स्टेट का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जैसे कि बिहार का दे रहे हो तो बिहार का यूपी का दे रहे हो तो यूपी का उड़ीसा दे रहे हो तो उड़ीसा का अदरवाइज यूपीएससी बड़े लेवल पे होता है वो तैयारी कर रहे हो तो स्टेट पीसीएस आराम से होगा ठीक है कृष्णा कुमार थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट एंड गाइडलाइंस थैंक यू कृष्णा मींस सर ये एच एच सी एस के लिए भी है बिल्कुल हो जाएगा बेटा ऑनलाइन प्राइस ऑनलाइन प्राइस जो है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में और थर्टी थाउजेंड में आपको महापैक थर्टी थाउजेंड में महापैक मिलेगा बेटा क्या नाम है अभिजीत रॉय और कोई सवाल है कृष्ण कुमार सर आई एम नॉट यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट यूट्यूब बहुत अच्छा सोशल प्लेटफॉर्म से जितना बचोगे उतना आप सब लोगों के लिए अच्छा है रोहित सिंह बैच प्राइस क्या है सर बैच प्राइस जो है पच्चीस हजार है और टोटल का प्राइस जो है थर्टी थाउजेंड है जो वन लाख का बाकी जगह पे आपको जो दो दो लाख में मिल रहा है वही चीज आपको यहाँ पर थर्टी थाउजेंड में मिल रहा है ठीक है बच्चों तो आज के लिए आप लोगों का ठीक है अच्छा रहा ठीक है आज तो मैंने पूरा जान डाल दी थी ठीक है आज नहीं हमेशा मैं जान डालता रहूँगा और आप लोगों के लिए हमेशा जो है नए नए कंटेंट अच्छे अच्छे कंटेंट लेके कर आऊँगा ताकि आप लोगों का जो है मैं पूरा पूरी तरह से ध्यान रखूँ और पूरी तरह से जो है आप लोगों को मतलब पूरी तरह से जो चाहिए प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए वो चीज़ें आपको दूँ मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन यहां पर बुद्धिज्म देख रहे हो मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं और ध्यान रखना बुद्धिज्म में जो एमसीक्यूज है और मेंस का जो क्वेश्चन है मैं अगला जैनिज्म के बाद पढ़ाऊंगा उसका रीजन क्या है जैनिज्म और बुद्धिज्म मिक्स क्वेश्चन आता है प्रिलिम्स और मेन्स में इसलिए मैं जैनिज्म टॉपिक को कवर करने की बात करूंगा ठीक है तो आज के लिए मुझे बिता दीजिए विश यू ऑल द गुड लक ठीक है थैंक यू हैव नाइस डे एंड जय हिंद टेक केयर